रेविट की इस वीडियो में हम लोग इस हाउस की डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो हाउस की एक्सटीरियर डिज़ाइन है उसको कैसे ड्रॉ करते हैं वो इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो डिज़ाइन ड्रॉ की है उसको रेंडर करके उसकी इमेज डाउनलोड की थी। तो ये देखिए मेरी कुछ इमेज है, इस पर मैंने एक्सटीरियर वॉल पर जो डिज़ाइन होती है वो नहीं ड्रॉ की थी ताकि हमारी जो लाइट्स है वो शो हो सके कायदे से। और ये देखिए एक और डिज़ाइन है, ये देखिए कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये वीडियो जो हमारी है वो तीन पार्ट्स में आएगी। तो फर्स्ट पार्ट्स में हम लोग उसकी केवल जो हाउस है हमारा उसको हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सीरियल वाइज से बनाना सीखेंगे। और जो सेकंड वीडियो आएगी उस पर हम लोग जो हमारे ये स्टोन लगे हैं, स्टोन लगाना, तो जिस तरह से भी पेंट करते हैं वो सब सीखेंगे। और थर्ड वीडियो में हम लोग इस पर लाइट्स शो कराना सीखेंगे कि लाइट्स कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए हम लोग रेविट को ओपन करते हैं और इस हाउस की डिज़ाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं रेविट पे जाता हूँ और यहाँ से अपना आर्किटेक्चर डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ। तो टेम्पलेट ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेवल क्रिएट करेंगे। तो हमारी जो बिल्डिंग है यहाँ पर देखिए कितने की है। तो यहाँ पर ये देखिए नीचे का जो इसका इमेज में है वो शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट लेवल हमारा यहाँ पर है, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये। तो फाइव लेवल हम लोग क्रिएट करेंगे। तो लेवल क्रिएट करने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउज पे जाएंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट ब्राउज है, प्रोजेक्ट ब्राउज पर ये देखिए ईस्ट एलिवेशन है हमारा, तो ईस्ट वाले पर जाएंगे। अगर आपका यहाँ पर ईस्ट, नॉर्थ, साउथ नहीं शो हो रहा है तो यहाँ पर माइनस का सिंबल बन के आ रहा है, अगर आपके में प्लस का बन के आ रहा है तो उस पर इस सिंबल पर क्लिक कीजिएगा तो शो हो जाएंगे। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ इस पर। डबल क्लिक करने के बाद देखिए हमारा यहाँ पर दो लेवल क्रिएट हैं 10 फीट पर, 0 से 10 फीट इसकी डिस्टेंस है दोनों की मिडिल की। तो लेवल 1 लेवल 2 हम लोग 5 लेवल क्रिएट करेंगे, 6 लेवल क्रिएट करते चलिए। तो यहाँ से ये देखिए हमारा लेवल है, आर्किटेक्चर पर जाएंगे तो लेवल ऑप्शन मिल जाएगा, शॉर्टकट होता है LL, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए हम कर्सर ले जाएंगे तो हमें डिस्टेंस शो हो रही है जहाँ से भी क्रिएट करना है। तो हम लोग डायरेक्ट भी यहाँ से इस तरह क्रिएट कर सकते हैं 10 फीट पर इस तरह से। ये देखिए हमें लोकेशन लाइन शो हो गई, देखिए लेवल 3 हमारा क्रिएट हो गया। तो और दूसरा मेथड भी है इसका, दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पर ये देखिए मॉडिफाई पर जाएंगे तो ये पिक लाइंस का ऑप्शन आता है, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑफसेट ले लेंगे, यहाँ से देखिए हमारा ऑफसेट है ये, यहाँ से 10 फीट ऑफसेट प्रोवाइड कर देंगे इसको, 10 फीट ऑफसेट प्रोवाइड करने के बाद हम लोग यहाँ पर अपना कर्सर ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें लोकेशन लाइन शो होगी, तो इस लोकेशन लाइन पर देखिए अगर हम लोग नीचे कर्सर ले जाएंगे तो नीचे की ओर हमारी ड्रॉ होगा लेवल, अगर ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो ऊपर की ओर ड्रॉ होगा। क्लिक कर देंगे लेवल क्रिएट हो जाएगा, क्लिक कर देंगे लेवल क्रिएट हो जाएगा, क्लिक कर देंगे लेवल क्रिएट हो जाएगा। देखिए हमारे कितने लेवल क्रिएट हो चुके हैं यहाँ पर, 6 लेवल क्रिएट हो चुके हैं। तो लास्ट लेवल जो है उसे हम पैरापिट लेवल बोलेंगे। तो हम इसका नाम कैसे चेंज करते हैं लेवल का देखिए, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो लेवल पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से देखिए हाईलाइट हो गया है तो यहाँ पर मैं पैरापिट प्रोवाइड कर देता हूँ। तो बाहर क्लिक करेंगे और यस कर देंगे, तो देखिए पैरापिट नाम चेंज हो गया इसका। तो मुझे ये जो पैरापिट वॉल चाहिए, लेवल चाहिए वो 3 फीट पर चाहिए, यानी कि 40 यहाँ पर डिस्टेंस है और प्लस 3 43। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा, सॉरी सिंगल क्लिक, और 43 फीट डिमेंशन प्रोवाइड कर दूँगा। ये देखिए मेरी 3 फीट पर लेवल भी क्रिएट हो गया है। अब हम लोग यहाँ से अपने लेवल 1 पर चलेंगे, फ्लोर प्लान लेवल 1। ये देखिए फ्लोर प्लान लेवल 1 है हमारा। तो लेवल 1 लेवल 2 यहाँ पर देखिए पैरापिट हमारे 6 के 6 लेवल क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सीलिंग में भी लेवल 1 लेवल 2 दिखेंगे। तो सीलिंग के लेवल का भी हमें कोई काम नहीं है तो इसलिए हम इन्हें क्लोज कर देते हैं। तो ये देखिए माइनस का सिंबल बन के आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, इस क्लोज हो गया सब। अब यहाँ पर हम लोग लेवल 1 पर डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए लेवल 1 हमारा आ गया है। हम लोग ड्रॉ करते हैं इसे, तो मैं 25 बाई 35 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा वॉल का, आउटर बाउंड्री। तो यहाँ पर ये देखिए वॉल है हमारी, क्लिक करेंगे आर्किटेक्चर पर जाके वॉल पर, या तो दूसरा ऑप्शन भी है आर्किटेक्चर पर जाएंगे और वॉल वाले ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से वॉल आर्किटेक्चर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी प्रॉपर्टीज़ पर शो हो रही है कि जो हमारी बेसिक जनरिक वॉल है वो 8 इंच की है, लेकिन मुझे 9 इंच की वॉल चाहिए और 5 इंच की वॉल चाहिए। तो चलिए हम लोग वॉल कैसे एडिट करते हैं डायमेंशन वो देखते हैं।
तो यहाँ से मैं जाऊँगा एडिट टाइप पर, ये देखिए एडिट टाइप क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए हमारी टाइप प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो टाइप हमारी 8 इंच है, तो हम लोग इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं इसका नाम दे दूँगा 9 इंच। और यहाँ से फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर स्ट्रक्चर वाले ऑप्शन पर एडिट पर क्लिक करेंगे। अभी देखिए हमारी 8 इंच की है, लेकिन नाम जो है वॉल का हमारा 9 इंच है। तो यहाँ से थिकनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे 9 इंच प्रोवाइड कर देंगे। अब हमारी वॉल 9 इंच की हो गई है, ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो हमारी वॉल 9 इंच की बन चुकी है। इसी तरह हम लोग सेम 4 इंच की भी ड्रॉ करेंगे। चलिए हम लोग एडिट टाइप पर फिर से जाते हैं और 4 इंच की फिर से डुप्लीकेट 4 इंच, सॉरी 5 इंच, और यहाँ से एडिट 5 इंच, ओके ओके। तो हमारे यहाँ पर 5 इंच और 9 इंच की दो वॉल क्रिएट हो चुकी हैं। इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो हमें दोनों वॉल शो होंगी इस वाले एरो पर। क्लिक करता हूँ, देखिए ये देखिए हमारी 9 इंच 5 इंच। तो मैं 9 इंच की एक्सटीरियर वॉल ले लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ से हम वॉल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमें रेक्टेंगल का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। मॉडिफाई पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये मॉडिफाई का ऑप्शन है हमारा। यहाँ पर हम रेक्टेंगल वाले ऑप्शन को पिक करेंगे और यहाँ से 25x35 का रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। कहीं पर भी क्लिक कर देंगे, बाद में हम उसे एडिट कर लेंगे। डबल बार इसके प्रेस करेंगे, कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो जब आप लोग वॉल कमांड से बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ हमारी शो होती है, हमारी डायमेंशन। जैसे ही वॉल पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी डायमेंशन होती है वो देखिए हमारी यहाँ से तो हमारी एक्सटीरियर पर शो हो रही है, कभी कभी ये डायमेंशन हमारी मिडल पर शो होती है। तो यहाँ पर अभी देखिए हमारी डायमेंशन ये देखिए मिडल से शो हो रही है। तो जब आपकी डायमेंशन ये मिडल से शो हो तो इसको अगर आपको डायमेंशन को यहाँ से एडजस्ट करना हो एकदम एक्सटीरियर वॉल से, तो जो हमारा ब्लू कलर से डॉट शो हो रहा है इस डॉट पर क्लिक कीजिएगा तो ये हमारी डायमेंशन एक्सटीरियर से एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप लोगों को इंटीरियर से चाहिए तो इस पर फिर से क्लिक कीजिएगा तो ये हमारी इंटीरियर से एडजस्ट हो जाएगी। तो मैं देखिए क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारी ये इंटीरियर से एडजस्ट हो गई इसकी डायमेंशन वॉल की। यहाँ पर फिर से क्लिक करता हूँ तो देखिए एक्सटीरियर से एडजस्ट हो गई। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे देखिए ये जो वॉल है वो मुझे एक्सटीरियर से एक्सटीरियर चाहिए 35 इंच की, देखिए हमारी 35 है, और ये मुझे चाहिए 25 इंच की। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस वाली वॉल पर क्लिक करूँगा तो मुझे इस वाली वॉल की डायमेंशन शो होंगी। इस वाली वॉल पर क्लिक करूँगा तो मुझे इस वाली वॉल की डायमेंशन शो होंगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये देखिए डायमेंशन जो है मेरी अभी 36 है मिडल से सेंटर से। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारी अभी 36 है। यहाँ पर देखिए इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ तो ये देखिए अभी 36 फीट 9 इंच है। तो इसी डायमेंशन वाले सर्कल वाले बॉक्स पर क्लिक करूँगा इस पर, तो यहाँ से हम लोग एडिट कर सकते हैं। क्लिक करूँगा और यहाँ से 25 फीट, तो ये हमारे कुछ इस तरह से ड्रॉ हो गई है। तो इसे हम लोग सेंटर पर लाते हैं अपनी वॉल को, तो कर्सर से क्लिक करके पूरे को सेलेक्ट करेंगे माउस से और मूव वाले ऑप्शन पर जाते हैं। शॉर्टकट होता है हमारा MV, कहीं पर भी क्लिक करेंगे मूव करके इसे यहाँ पर ले आएंगे। तो ये मूव करने से पहले आप लोग ये देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो आपका कॉन्स्टेंट्स का ऑप्शन है यहाँ पर अनचेक हो, क्योंकि अगर हमारा ये ऑप्शन चेक होगा तो हमारी वॉल जो है ना वो इंक्लाइंड नहीं मूव होगी, वो हमारी केवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही मूव होगी। तो हम लोग इसे अनचेक कर देंगे तो हमारी ये वॉल जो है ना वो मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकती है, इंक्लाइंड भी और लेफ्ट राइट भी। ये देखिए हमारी अगर मिडल पे आ चुकी है। हम लोग इसके 3D व्यू पर जाते हैं। 3D व्यू पर देखिए हम लोग आ गए, हमें पता नहीं है कि अभी हमारी वॉल कितनी है, हाइट कितनी है वॉल की। तो हाइट को चेक करने के लिए हम लोग एलिवेशन पर जाएंगे, बिल्डिंग एलिवेशन पर, और यहाँ पर ईस्ट वाले व्यू पर डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वॉल ड्रॉ है वो हमारी देखिए कितनी ड्रॉ है, अभी लेवल 3 तक ड्रॉ है। ये देखिए हमारी ये वॉल है, ये लेवल 3 तक ड्रॉ है। तो आप एरोज़ की हेल्प से भी अपनी वॉल को ऊपर तक ला सकते हैं। तो अगर आप एरो की हेल्प से लाएंगे तो आपकी जो वॉल है वो केवल सिंगल वॉल ही आएगी। ये देखिए ये वॉल हमारी नहीं आएगी, ये वाली। तो इसको हमको पहले सारी वॉल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग सारी वॉल को टैब के साथ सेलेक्ट करेंगे, तो कर्सर को अंदर ले जाएंगे, वॉल को टैब के साथ सेलेक्ट करेंगे। सारी वॉल हमारी सेलेक्ट हो गई हैं और क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग देखिए यहाँ पर जाएंगे प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ पर देखिए जो हमारा टॉप कॉन्स्टेंट है, ये देखिए टॉप कॉन्स्टेंट, इसको हम लोग कर देंगे पैरापिट लेवल तक। अभी देखिए हमारा अनकनेक्टेड है 20 फीट तक, तो इस पर क्लिक करेंगे अनकनेक्टेड पर और यहाँ से एरो पर क्लिक करेंगे। एरो पर क्लिक करने के बाद पैरापिट और यहाँ से अप्लाई, तो देखिए हमारी सारी वॉल पैरापिट तक अप्लाई हो गई। 3D पर जाकर देख लेते हैं, हमारी हाइट बढ़ चुकी है।
तो अब यहाँ पर हम लोग इसका फ्लोर ड्रॉ करेंगे। तो फ्लोर ड्रॉ करने के लिए हम लोग कहाँ पर फ्लोर ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले लेवल वन पर नीचे बॉटम पर। तो लेवल वन पर जाएंगे हम लोग प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट ब्राउज पर। तो यहाँ पर हम लोग फ्लोर प्लान लेवल वन पर डबल क्लिक करेंगे। तो ये हमारा लेवल वन ओपन हो चुका है और ये हमारी वॉल्स हैं। हम लोगों को यहाँ पर फ्लोर ड्रॉ करना है। तो फ्लोर ड्रॉ करने के लिए शॉर्टकट होता है हमारा FL। और यहाँ पर देखिए हमारा जो ये फ्लोर है, तो यहाँ पर ये देखिए ये फ्लोर हमारा है। आर्किटेक्चर पर जाएंगे तो शो हो जाएगा। स्ट्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्लोर आर्किटेक्चर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए हमारा फ्लोर, ये जो वॉल की डायमेंशन है वो अब हल्की सी डिम हो गई है। तो अभी हम लोग यहाँ पर फ्लोर ड्रॉ करने के लिए देखिए जो हमारा फ्लोर है उसकी थिकनेस हमारी 12 इंच है। तो हम लोग यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे 12 इंच का, और जो हमारा सेकंड फ्लोर है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर वो हम लोग सारे 5 इंच का ड्रॉ करेंगे और नीचे वाला 12 इंच का। तो चलिए हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लेते हैं। रेक्टेंगल टूल की हेल्प से फ्लोर को ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इसकी आउटर बाउंड्री पर क्लिक करेंगे और दूसरी आउटर बाउंड्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए हमारा ड्रॉ हो चुका है फ्लोर नीचे। ये देखिए फ्लोर सेलेक्ट हो गया हमारा। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हमें ऊपर फ्लोर ड्रॉ करना है लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पर 5 इंच का। तो हम लोग फिर से फ्लोर पर जाएंगे और फ्लोर पर जाने के बाद अब हमें देखिए यहाँ पर इसका 4 इंच की जगह हमें चाहिए फ्लोर 5 इंच का। तो यहाँ से फिर से सेम प्रोसेस है जो हमने वॉल पर की थी। एडिट टाइप पर जाएंगे, यहाँ से डुप्लीकेट पर जाएंगे और यहाँ से हम लोग इसे 5 इंच का फ्लोर का नाम दे देंगे। और यहाँ से अभी देखिए हमने 5 इंच नाम चेंज हो गया हमारा अभी, लेकिन फ्लोर एडिट नहीं हुआ। तो जाके एडिट पर जाएंगे और चेक करेंगे तो देखिए हमारा अभी भी 12 इंच यानी कि 1 फीट का है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे हम 5 इंच नाम दे देंगे, सॉरी थिकनेस 5 इंच। ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। तो अब जहाँ पर हम लोग को लेवल 2 पर ड्रॉ करना है, लेवल 2 पर ड्रॉ करेंगे। तो लेवल 2 पर फ्लोर ड्रॉ करने से पहले हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि हमारी जो इमेज है वो किस तरह की है। ये देखिए जो हमारे लेवल 2 पर जो फ्लोर है वो हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ है, कट टाइप का। और लेवल 3 पर हमारा जो फ्लोर है वो एकदम सिंपल ड्रॉ है 5 इंच का। जो भी हो थिकनेस उसकी नहीं पता हमें, लेकिन हम यहाँ पर 5 इंच का ड्रॉ करेंगे। तो लेवल 1 पर हमारा 12 इंच का था, लेवल 3 पर हम लोग 5 इंच का, और लेवल 5 पर हम लोग 5 इंच का ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ से लेवल 3 को सेलेक्ट करता हूँ और 5 इंच का ड्रॉ कर देता हूँ। 5 इंच यहाँ देखिए हमारा शो हो रहा है प्रॉपर्टीज पर। ओके कर देंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा शो हो रहा है हाईलाइट्स फ्लोर्स ओवरलैप। 3D पर देखते हैं इरर क्या है हमारा। हमें अभी शेव नहीं करना है इसलिए हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा फ्लोर है, बाहर क्लिक करेंगे देखिए डबल हो गए दोनों यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक फ्लोर की हमारी थिकनेस 12 इंच है, वो नीचे वाले की ऊपर वाले की 5 इंच है। तो 5 इंच वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे। तो देखिए अभी हमारा लेवल 1 है, तो लेवल 1 की जगह हम लोग इस लेवल 1 पर क्लिक करेंगे और इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ड्रॉप डाउन एरो, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लेवल 3 कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। तो देखिए अब हमारा जो फ्लोर है वो लेवल 3 पर पहुँच चुका है। ये देखिए तो अब हम लोग इसी फ्लोर को हम लोग लास्ट वाले पर ड्रॉ करेंगे यानी कि लेवल 5 पर। तो लेवल 5 पर हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, इसी को कॉपी कर देंगे। तो इस वाले फ्लोर को कॉपी करने के लिए क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे इस वाले फ्लोर को। फ्लोर हमारा सेलेक्ट हो चुका है, सिर्फ इस हल्का से रोटेट करके देख लेंगे। देखिए हमारा ब्लू कलर से है, इसका मतलब ये सेलेक्ट है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन आता है कॉपी का। ये देखिए कॉपी का ऑप्शन, शॉर्टकट होता है Ctrl+C कॉपी करने के लिए। क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ से पेस्ट का ऑप्शन आता है, उस वाले ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे पेस्ट वाले। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑप्शन आता है एक अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल्स। तो हमें जिस भी लेवल पर अलाइन करना है उस लेवल को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर पेस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, अलाइन टू सेलेक्ट लेवल वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारे लेवल शो हो गए हैं सारे। तो हमें जिस भी लेवल पर चाहिए उस लेवल को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमें लेवल 5 पर चाहिए तो लेवल 5 को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए हमारा लेवल 5 पर भी क्रिएट हो चुका है ये फ्लोर। तो चलिए अब हम लोग लेवल 1 पर फिर से जाते हैं और यहाँ से ये देखते हैं इमेज देखते हैं अपनी। तो अब देखिए हमें यहाँ पर इस तरह का कुछ लेवल फ्लोर क्रिएट करना है। तो इस तरह का फ्लोर क्रिएट करने के लिए पहले हम लोगों को इसकी थोड़ी इंटीरियर वॉल की डिज़ाइन बनानी पड़ेगी। जो हमारी ये वॉल दिख रही है एक्सटीरियर वाली, तो इन वॉल्स को देखिए कैसे क्रिएट करते हैं। तो वॉल को क्रिएट करने के लिए इस बार हम लोग WA प्रेस करेंगे, या तो शॉर्टकट या तो सीधे। देखिए हमने शॉर्टकट प्रेस किया और WA पर आ गए वॉल पर। तो यहाँ पर हम लोग 5 इंच की वॉल लेंगे ड्रॉप डाउन एरो से 5 इंच।
और यहाँ से अब वॉल क्रिएट करता हूँ, 5 इंच की डिस्टेंस ले लेता हूँ और यहाँ से मैं ले लेता हूँ 12, इस तरह से कुछ। यहाँ से 4, 6, इस तरह से मैंने देखिए कुछ क्रिएट कर दिया है अपनी वॉल को 4 इंच वाली। 3D पर जाएंगे, हमें देखिए कुछ भी नहीं शो हो रहा है। फ्रंट वाली वॉल पर क्लिक करेंगे, देखिए शो हो गई हमारी वॉल्स, लेकिन अभी लेवल 2 तक हैं। हम लोग डबल H प्रेस करेंगे तो हमारी ये वॉल हाइड हो जाएगी। ये वॉल हमारी हाइड हो गई है, देखिए हमारी वॉल शो हो रही है यहाँ से, ये कुछ इस तरह से क्रिएट है, इमेज में कुछ इस तरह से क्रिएट है, ये देखिए। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्रिएट करेंगे इन वॉल को, पूरा लेवल 5 तक ले जाएंगे। सारी वॉल्स को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल के साथ सारी वॉल हमने सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे टॉप कांस्टेंट पर और यहाँ से अप टू लेवल, हम लोग कहाँ तक करना है, लेवल 5 तक अप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमारी लेवल 5 तक वॉल्स क्रिएट हो चुकी हैं, लेवल 5 तक हमारी वॉल्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब लेवल 5 तक वॉल्स क्रिएट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी रूफ ड्रॉ करेंगे लेवल 2 और लेवल 3 पर। तो लेवल 2 पर जाएंगे हम लोग, लेवल 2 पर जाएंगे तो इमेज पर देखिए हमारी किस तरह से ड्रॉ है, ये देखिए इमेज पर देखिए हमारी इतना फ्लोर ड्रॉ है, यहाँ पर कोई फ्लोर नहीं है, इसी तरह सेम यहाँ पर भी कोई फ्लोर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब रेविट पर जाएंगे फिर से, तो रेविट पर जाने के बाद हम लोग इसका फ्लोर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से फ्लोर पर जाएंगे आर्किटेक्चर पर और यहाँ से फ्लोर आर्किटेक्चर को लेंगे। फ्लोर आर्किटेक्चर को लेने के बाद हम लोग यहाँ से लाइन को पिक करेंगे अपनी, लाइन को पिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसका फ्लोर ड्रॉ करेंगे इस तरह से कुछ, देखिए यहाँ पर फ्लोर मैंने अंदर से थोड़ा ड्रॉ कर दिया है, तो मैं भी बाहर शो नहीं होगा, तो मैं इसे बाहर से कर देता हूँ फ्लोर को थोड़ा, ताकि हमारा बाहर से भी शो हो ना, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पर लाइन पर ले जा रहा हूँ और मूव का ऑप्शन जैसे ही शो हो रहा है, जैसे मुझे ये लाइन बाहर से करनी है तो मैं इस लाइन पर कर्सर ले जाऊँगा, क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मूव का ऑप्शन शो हो रहा है देखिए, तो इस पर क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे और इसे पीछे ले जाएंगे और फिर से थोड़ा इधर लेंगे, देखिए हमारा एडजस्ट हो गया है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे, इस तरह से सारी वॉल्स हम लोग बाहर की ओर मूव कर लेंगे ताकि हमारी बाहर से शो हो। देखिए मैं यहाँ पर मूव नहीं कर रहा हूँ, तो देखिए आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, 3D पर ओके कर देता हूँ पहले मैं इसे, और यहाँ से 3D पर जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो फ्लोर है, देखिए यहाँ पर शो हो रहा है, रियलिस्टिक पर जाता हूँ शेडेड पर, यहाँ पर देखिए फ्लोर शो हो रहा है हमारा, यहाँ पर भी फ्लोर शो हो रहा है, यहाँ पर भी फ्लोर शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं शो हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर फ्लोर है हमारा, लेकिन शो इसलिए नहीं हो रहा है, ये देखिए। क्लिक करता हूँ मैं इस फ्लोर पर, देखिए फ्लोर हमारा है यहाँ पर भी, देखिए कर्सर ले जा रहा हूँ, शो शो हो रहा है लेकिन वो अंदर से इसलिए नहीं शो हो रहा है। तो मैं इसे भी एडजस्ट कर देता हूँ लेवल 2 पर जा करके, बाहर क्लिक करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करूँगा फ्लोर पर, ये पिंक कलर की लाइन शो हो जाएगी, मूव करके इसे भी बाहर से ले आऊँगा, ओके कर दूँगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा येलो फ्लोर भी ड्रॉ हो चुका है। तो हम लोग इसी फ्लोर को कॉपी करेंगे लेवल 4 पर, सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट पर जाएंगे, ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल पर जाएंगे और यहाँ से लेवल कौन सा है हमारा 4, तो लेवल 4 पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारा लेवल 4 पर कॉपी हो चुका है फ्लोर। तो अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को देखिए इमेज पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी विंडोज़ कुछ अप्लाई हैं, तो इन विंडोज़ को अप्लाई करते हैं। तो विंडो को अप्लाई करने के लिए हम लोग इसके फ्रंट व्यू पर आ जाएंगे। फ्रंट व्यू पर आ जाने के बाद हमें देखिए यहाँ पर 2-2 विंडो चाहिए। तो विंडो पे अब विंडो कैसे ड्रॉ करेंगे उसके लिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना कर्सर इस वॉल पर ले जाएंगे और क्लिक करेंगे, वॉल को सेलेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पर हम लोग एडिट प्रोफाइल पर जाएंगे। एडिट प्रोफाइल पर जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग विंडो क्रिएट करेंगे, विंडो का कट क्रिएट करेंगे। तो विंडो का कट क्रिएट करने के लिए देखिए हम लोग पहले इमेज पर और देखते हैं। तो हमारी लेवल 2 पर विंडोज़ हैं, लेवल 3 पर विंडोज़ डोर हैं और लेवल 4 पर विंडोज़ डोर हैं। तो यहाँ पर रैबिट फिर से जाते हैं, तो लेवल 2 से हम लोग क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे।
तो फिर से हम लोग यहाँ पर देखिए, हमारा एडिट का ऑप्शन ओपन है, तो यहाँ से हम लोग रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पर एक विंडो ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। सेम यहाँ पर भी इस तरह से ड्रॉ करेंगे एक और, या आपको दोनों ड्रॉ करनी है तो स्केप कर दीजिए इसे, इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे ताकि हमें एडिट करने में टाइम ना लगे। तभी हमारी ये 5 फीट है, तो हम लोगों को 5 फीट की जो डायमेंशन शो हो रही है, विंडो शो हो रही है। अगर हमें इसके इस फ्लोर से इस विंडो की हाइट देखनी है तो वो कैसे देखेंगे, तो ये देखिए हमारा मूव विटनेस लाइन है, इस डॉट पर ले जाएंगे कर्सर, तो ये हमारे देखिए शो हो रहा है मूव विटनेस लाइन, ब्लू कलर से जो डॉट से इस पर ले जाएंगे तो देखिए मूव विटनेस लाइन। तो किसी पर भी क्लिक करके चेक करते हैं पहले, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और होल्ड करता हूँ, इसे ऊपर की ओर ले जाता हूँ, तो ये देखिए हमारा कहीं पर भी हाईलाइट नहीं हो रहा, मतलब ये हमारा कहीं पर भी नहीं मूव होगा। तो इस वाले पर देखते हैं चेक करके एक बार, ये देखिए इससे हमारी जो लाइन है ब्लू कलर की शो हो रही है, तो मुझे यहाँ से इसकी हाइट देखनी है। तो यहाँ से हमारी इसकी हाइट है विंडो की टॉप हाइट है, मतलब जो हमारी फ्लोर है सेकंड फ्लोर, वहाँ से हमारी जो विंडो की टॉप हाइट है वो 6 फीट 8 इंच है, लेकिन मुझे बॉटम हाइट चेक करनी है, तो यहाँ से फिर मूव करके मैं इसे यहाँ तक लाऊंगा, लेकिन नहीं हो रहा है फिर से मेरा ये, फिर से मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिर से चेक करता हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है। तो इस बार मैं क्या करूँगा, इस वाले को यहाँ तक ले जाऊँगा और इस वाले को नीचे तक लाऊंगा, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसे टॉप तक ले आते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे अभी 2 फीट 10 इंच है, तो मैं इसे ऊपर से कर लेता हूँ, 2 फीट केवल, 2 फीट हमारी एडजस्ट हो गई है। तो इसको हम लोग फिर से एडजस्ट करेंगे नीचे की ओर अब, तो आप देखिए हम लोग इस कर्सर को लाते हैं यहाँ तक होल्ड करके, तो यहाँ से जो हमारी डायमेंशन देखिए शो हो रही है वो कितनी है, 1 फीट 8 इंच, मैं इसे कर लेता हूँ 2 फीट, फिर 2 फीट पे हमारी एडजस्ट हो गई ये भी। तो जिस लाइन जो लाइन आपकी सेलेक्ट होगी वही लाइन मूव होगी, जैसे देखिए मेरी ये लाइन सेलेक्ट थी, तो ये लाइन हमारी 1 फीट से 2 इंच पर मूव हो गई है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारी जो ये हाइट है इसकी वो 5 फीट 7 इंच है, तो मैं इसको कर लेता हूँ 5 फीट, 5 फीट जो मैंने हाइट प्रोवाइड कर दी, तो ये जो हमारी विंडो की हाइट है नीचे से इसकी हाइट बची 2 फीट 7 इंच और 2 फीट 7 इंच, और जो मिडल की हाइट है हमारी विंडो की, जो हाइट क्या हमारी विथ बोल सकते हैं, सॉरी लेंथ, वो हमारी है 5 फीट, और जो ऊपर की है वो हमारी है 2 फीट। तो मैं इसे यहीं से इतना ही रहने देता हूँ और मैं इसे कॉपी कर लूँगा सेकेंड साइड पर यहाँ पर, या तो यहाँ पर हम डोर ड्रॉ करेंगे। चलिए डोर कैसे ड्रॉ करेंगे ये भी देख लेते हैं। डॉट ड्रॉ करने के लिए मैं रेक्टेंगल लूँगा यहाँ पर, और सेम यहाँ से इस तरह कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूँगा, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने डोर ड्रॉ कर दिया है, तो डोर की डायमेंशन मेजर कर लेंगे, किसी भी लाइन पर क्लिक करेंगे, स्किप करके पहले बाहर आ जाएंगे कमांड से, उसके बाद क्लिक करेंगे। तो यहाँ से भी हमारी 7 फीट 7 इंच है हाइट इसकी डोर की, ठीक। तो इस लाइन पर क्लिक करेंगे तो विथ पता चल जाएगी, तो विथ हमारी कितनी है जूम करके देखेंगे तो 3 फीट हमारी और 11 इंच है, तो मैं इसे 3 फीट 10 इंच कर देता हूँ, 10 इंच एडिट कर दिया मैंने इसे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। देखिए हमारा कट क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर हम लोग इसी वॉल पर डबल क्लिक करेंगे, मैं इसी को ऊपर लेवल 3 पर और लेवल 4 पर कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे माउस के साथ होल्ड करके, दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, या तो एक एक को आप कंट्रोल के साथ क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं लाइन से, इस तरह से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप पूरे कर्सर को यहाँ पर क्लिक करें सीधे और यहाँ पर क्लिक करें, इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं सीधे मूव करके। लेफ्ट क्लिक करिएगा क्योंकि राइट क्लिक करेंगे तो पूरी वॉल्स भी हमारी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको कॉपी करेंगे, तो कॉपी करने के लिए कॉपी टूल पर जाएंगे, शॉर्टकट होता है CU, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम लोग को इसको कॉपी करना है, तो मैं इस वाले पॉइंट से कॉपी करूँगा इसे यहाँ से, ताकि जो हमारा कॉपी हो वो एकदम करेक्ट हो, क्योंकि अगर कहीं और से कॉपी करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर पेस्ट करना है। अगर मैं यहाँ से क्लिक करके इसे कॉपी करूँगा तो मुझे यहाँ पर पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर कॉपी करना है, तो मैं ये पॉइंट लूँगा। ये पॉइंट लेने के बाद देखिए यहाँ पर हम मल्टीपल वाले ऑप्शन को चेक कर देंगे ताकि बार बार हमें कॉपी ना करना पड़े, और यहाँ पर जा करके इसे पेस्ट कर देंगे, सेम यहाँ पर जा करके इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारा सब पे कट बन चुका है। सब पे कट बन जाने के बाद अब देखिए हमें यहाँ पर ग्लास प्रोवाइड करना है, जिस तरह से हमारा इमेज में ग्लास प्रोवाइड है, ये देखिए। तो ग्लास प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेवल 1 पर जाएंगे, सॉरी लेवल 2 पर, लेवल 2 से हमारी ये देखिए क्रिएट है विंडो और डोर। और यहाँ पर जाने के बाद अब हम लोग यहाँ से जाएंगे वॉल पर, क्लिक करेंगे, WA शॉर्टकट होता है, WA भी आप लोग प्रेस करके ले सकते हैं वॉल को, और यहाँ से वॉल वाले ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, देखिए ड्रॉप डाउन एरो है हमारा,
इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग कर्टेन वॉल वन लेंगे या कर्टेन वॉल सेलेक्ट करेंगे। पिक करने के बाद देखिए हमारी कर्टेन वॉल कर्सर बन के आ गया है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक कर्टेन वॉल चाहिए, तो मैं मिडिल पर जाऊँगा और क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद माउस को राइट ड्रैग करूँगा तो ये देखिए हमारी जो वॉल है वो अंदर की इनसाइड से ड्रॉ हो रही है। स्पेस ड्रॉ करके इसके स्पेस के साथ हम इसे फ्लिप कर देंगे, तो स्पेस प्रेस करेंगे तो देखिए हमारी वॉल बाहर की तरह हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर प्रेस कर देंगे तो ये इरर शो हो रहा है, अभी कोई बात नहीं हम उसे सही कर देंगे, तो वो सही करेंगे, अभी देखेंगे कैसे सही करते हैं उसे। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे, ऊपर जाएंगे 3D पर, ये देखिए जो हमारी वॉल है कर्टेन वॉल वो हमारी पूरी 5 इंच तक ड्रॉ है। फ्रंट पर जाएंगे एडजस्ट कर लेंगे इसे, तो यहाँ पर देखिए इस डबल स्केप करेंगे तो ये हमारा इरर है वो इरर नहीं बन के आएगा कर्सर। तो अब हम लोग देखिए हमारा कर्सर शो हो रहा है जहाँ तक भी हमारी कर्टेन वॉल है, देखिए जैसे कर्सर ले जा रहे हैं, क्लिक करेंगे कर्टेन वॉल पर। कर्टेन वॉल पर जब हमारी सेलेक्ट होगी तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह का सिंबल बन के आएगा, ये देखिए इस तरह का, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से मुझे इस एरोस की हेल्प से मैं इन्हें एडजस्ट करूँगा, तो एरो पर क्लिक करूँगा और माउस को होल्ड करके यहाँ तक ले जाऊँगा, यहाँ तक हमारी विंडो स्टार्ट है, तो यहाँ पर मैं इसे लॉक कर दूँगा। लेकिन अभी लॉक कर दूँगा तो मैं ऊपर से नहीं मूव होगा, तो मैं यहाँ से ऊपर से लाऊँगा नीचे तक, अब मैं इसे लॉक कर दूँगा। सेम प्रोसेस मैं डोर वाले में करूँगा, ये देखिए हमारी लॉक कर दूँगा इसे भी मैं, तो मैं इन दोनों को मूव करके ऊपर ले जाता हूँ, सॉरी कॉपी कर दूँगा ऊपर की ओर। तो यहाँ से कॉपी लूँगा, CO शॉर्टकट होता है, और मैं इस वाले पॉइंट से कॉपी करूँगा इसे। तो यहाँ पर देखिए जो कॉपी है हमारा वो देखिए केवल हॉरिजेंटल हो रहा है, वर्टिकल नहीं हो रहा है। तो ये वर्टिकल नहीं हो रहा है इसका कारण यहाँ पर ये है, देखिए जो कंस्ट्रेंट वाला ऑप्शन है हमारा वो हमारा चेक है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस ऑप्शन को अनचेक कर लीजिएगा तभी आपका इधर से उधर मूव होगा, वरना आपका एक ही साइड में डायरेक्शन मूव। अब देखिए हमारा मूव हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन में हम लोग मूव कर सकते हैं, देखिए। तो हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं इसे और सेम यहाँ पर मूव करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हमारा शो नहीं हो रहा है कर्सर, यहाँ पर हमें कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट का ऑप्शन हमारा फिर से चेक है, तो फिर से हम अनचेक करेंगे इसे और यहाँ से इसे कॉपी कर देंगे। ये देखिए हमारा इस तरह का ड्रॉ हो चुका है, रियलिस्टिक पर है हम लोग पहले से ही, तो शिफ्ट के साथ थोड़ा रोटेट करके देख लेते हैं। तो हमारा इतना डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम लोग को क्या ड्रॉ करेंगे, इमेज पर जाएंगे और देखेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा बाहर से विंडो का कुछ वुडन टाइप का टेक्सचर लगा हुआ है, तो इस टेक्सचर को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फिर से मैं रैबिट पर आता हूँ और फ्रंट व्यू पर एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हाउस को, और एडजस्ट करने के बाद अब चलिए हम लोग उस पर कैसे ड्रॉ करेंगे इसका जो वुडन का बाहर निकला हुआ है। तो वो ड्रॉ करने के लिए हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट्स पर जाएंगे और ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, मॉडल इन प्लेस पर जाएंगे और यहाँ से हम लोग जेनरिक मॉडल को सेलेक्ट करेंगे, या तो कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉ सब में हो जाएगा लेकिन जेनरिक मॉडल ही सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि बाद में कलर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ से मैं जेनरिक मॉडल सेलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा, ओके करूँगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जेनरिक मॉडल मैंने ओके कर दिया, लेकिन अभी वहाँ कुछ भी नहीं ड्रॉ होगा, ये देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसके बाद जाएंगे सेटअप प्लेन पर, तो वर्क प्लेन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करूँगा इस ऑप्शन पर। क्लिक करने के बाद हमारा वर्क प्लेन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, वर्क प्लेन का ऑप्शन ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ से पिकअप प्लेन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, इस ऑप्शन को चेक कर दूंगा मैं, चेक करने के बाद यहाँ से ओके कर दूंगा और यहाँ से अपना कर्सर लेके जाऊंगा। तो किस प्लेन पर मुझे चाहिए, वो जो वुडन वाला वॉल पर टेक्सचर बना था मुझे इस प्लेन पर चाहिए, इसी वॉल पर बना था, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। देखिए ब्लू कलर से हमारी लाइन शो हो रही है, ये देखिए लाइन हमारी शो हो रही है ब्लू कलर से, तो ये इसका मतलब हमारा यही वाला प्लेन सेलेक्ट हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट पर जाएंगे और एक्सट्रूजन लेंगे, सॉलिड एक्सट्रूजन, सॉलिड एक्सट्रूजन वाले को सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेम जिस तरह से हमारा ड्रॉ है, यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल हमारा ड्रॉ है, तो इसको कवर अप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारा लाइन है, तो लाइन से ड्रॉ करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम लोग रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल लेने के बाद हम लोग इसको कवर कर देंगे इस तरह से। तो अभी देखिए हमारा हल्का सा छूट गया है, स्केप करेंगे, बाहर आएंगे और इस बार जूम करके थोड़ा सही से ड्रॉ करेंगे यहाँ से, अब सही है हमारा, तो यहाँ तक हमें चाहिए। और जो सेकंड वाला है हमारा वो कहाँ तक चाहिए, यदि इस तरह से कवर करेंगे, हमें इतना पार्ट नहीं चाहिए, इतना पार्ट हमें ओपन करना है, इतना पार्ट को हम लोग फिर से कवर कर देंगे। यहाँ पर देखिए जो लाइन से हमारी इरर शो हो रहा है, ओवरलैप हो गई है, तो ओवरलैप को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए स्प्लिट कट का और स्प्लिट एलिमेंट का हमारा ऑप्शन आता है मॉडिफाई में, इसका शॉर्टकट होता है हमारा SL, तो इस पर हम लोग देखिए जूम करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए SL शॉर्टकट होता है इसका, इस नाम है स्प्लिट एलिमेंट, क्लिक करूँगा इस पर और यहाँ पर देखिए हमारा एक
कट टाइप का ऑप्शन आ गया है, तो इस पर मैं कर्सर ले जाऊंगा अपना और यहां से इसे कट कर दूंगा। कट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से इस वाली वॉल को डिलीट कर दूंगा मैं सेलेक्ट करके, और यहां से इस वाली वॉल को सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद देखिए अभी भी हमारा पूरा सही से, अभी भी हम ओके करेंगे तो फिनिश नहीं होगा। देखिए वॉल्स अभी भी हमारी सही से जॉइंट नहीं है, तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करना, पूरा कवरअप एरिया बनाना पड़ता है ताकि हमारा कहीं से भी वॉल इस तरह से ना जॉइंट हो, ताकि इस तरह से जॉइंट हो हमारी ये पिंक कलर की लाइन है, जिससे कि हमारी कंप्लीट हो पूरी तरीके से। मतलब ये देखिए अभी हमारी कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर एक हमारा रेक्टेंगुलर कंप्लीट है, ये हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट नहीं है। तो मैं इसे आगे की ओर बनाता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो मैं फिर से स्प्लिट एलिमेंट टूल लेता हूँ और फिर से कट लगाता हूँ यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर टी आर शॉर्टकट होता है हमारा, ट्रिम एंड एक्सटेंड कॉर्नर टूल लूँगा, और यहाँ पर इस जो लाइन हमें चाहिए उसी लाइन पर हम लोग, जो लाइन हमें चाहिए उसी लाइन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए हमें ये चाहिए और ये चाहिए, यहाँ पर हमें ये चाहिए और ये चाहिए। मैं इसके बाद अब देखिए हमारा पूरा कवर अप एरिया बन चुका है, ये देखिए इस तरह से कहीं पर भी कोई लाइन क्रॉस नहीं है, ओवरलैप नहीं है। तो मैं इसे ओके कर दूंगा, हमारा बन चुका है देखिए एक्सट्रूजन, फिर से फिनिश करूंगा, एक्सट्रूजन हमारा बन चुका है। तो ये हमें शो नहीं हो रहा, तो शो करने के लिए हम लोग इसे स्विफ्ट के साथ हल्का सा रोटेट करेंगे, तो इधर से नहीं शो हो रहा है, ये देखिए अब देखिए हमारा शो हो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जितना भी ये बाहर चाहिए इसका पोर्शन, उतना भी आप लोग बाहर कर सकते हैं, अंदर कर सकते हैं। तो इसे हम लोग कायदे से टच करने के लिए हम लोग ये साइड वाली वॉल को हम लोग लेफ्ट में जाएंगे, तो देखिए हमारा कुछ नहीं शो हो रहा है, तो इस वाली वॉल को हाइड कर देंगे डबल एच से। अब देखिए हमारा एक्सट्रूजन शो हो रहा है, तो इस एक्सट्रूजन पर क्लिक करेंगे और हल्का सा इसे बाहर की ओर या अंदर की ओर अगर जितना भी आपको चाहिए उतना आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं हल्का सा अंदर कर लेता हूँ जितना मुझे चाहिए। तो अब देखिए मेरा इतना एक्सट्रूजन ड्रॉ हो चुका है, तो मुझे सेम एक्सट्रूजन नीचे तक चाहिए, यही इस पर चाहिए लेवल 3 पर और लेवल 2 पर भी। तो मैं लेवल 3 और 2 पर भी इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, सेम ऑप्शन है, कॉपी करेंगे इसे, कंस्टेंट वाले ऑप्शन को अनचेक कर देंगे, मल्टीपल वाले ऑप्शन को चेक रहने देंगे। तो यहाँ से मैं इस वाले ऑप्शन से फिर से इसे कॉपी करूँगा पॉइंट से, तो इस वाले पॉइंट पर क्लिक करूँगा, इस वाले पॉइंट पर क्लिक करूँगा और यहाँ से डबल स्केप कर दूँगा ताकि जो हमारा कॉपी का टूल है वो हट जाए। लेफ्ट के ऊपर जाएंगे, फिर से इसे देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए हमारा एक्सट्रूजन सब में ड्रॉ हो चुका है, ये देखिए 1 2 3 सब में हमारा एक्सट्रूजन ड्रॉ हो चुका है, और यहाँ देखिए हमारे फ्लोर भी शो हो रहे हैं सारे। तो जो हमारी वॉल्स जो हाइड हैं, अगर हम लोग उसे वापस लाना चाहते हैं तो हम लोग एच आर प्रेस करेंगे, तो शॉर्टकट हमारा होता है इसका एच आर, तो जिससे जितनी भी हमारे ऑब्जेक्ट हाइड होंगे वो सारे हमारे फिर से वापस आ जाएंगे। तो एच आर मैं प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए हमारे सारे ऑब्जेक्ट वापस आ गए हैं। मैं इस वॉल को फिर से हाइड कर लेता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा, सेलेक्ट करता हूँ और एच एच फिर से देखिए हमारा शो हो गया। तो अब देखिए हम लोग आगे क्या ड्रॉ करेंगे, तो आगे हम लोग इस इमेज में देखिए हम लोग ड्रॉ करेंगे इसकी जो टॉप वाली ग्रिल है पैरापिट में, देखिए जो हमारा कितना कट बना हुआ है, इस तरह का कट कैसे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम लोग पैरापिट पहले 3 फीट की हम ड्रॉ करते हैं, तो 3 फीट की जो पैरापिट है वो हमारी पहले से ही ड्रॉ है, तो मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ फिर से। तो शॉर्टकट फिर से एच आर टाइप करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट हाइड है वो हमारा शो हो जाएगा, देखिए हमारी फ्रंट वाली वॉल शो हो गई। तो मुझे ये वॉल चाहिए ऊपर तक केवल, तो मैं इसे कर्सर के साथ मूव करके केवल यहाँ से ले लेता हूँ रूफ तक, यहाँ से मैं इसे यहीं पर लॉक कर देता हूँ। तो अब मुझे उस तरह का ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है जिस तरह से मैंने आपको इमेज में दिखाया है, ये देखिए ये कुछ इस तरह से, यहाँ पर ये देखिए इस तरह से बना हुआ है हमारा। तो इसे हम लोग ड्रॉ करेंगे रैबिट मैप, फ्रंट पर पहले एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट करने के बाद इस वॉल को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर जाएंगे, तो ये देखिए हमारा पिंक कलर से लाइन शो हो गई। तो हम लोग पहले इस पर इस तरह का शेप बनाएंगे 45 डिग्री में। तो 45 डिग्री में शेप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस वॉल को मूव करके जहाँ तक आपको शेप चाहिए वहाँ तक ले आएंगे, मैं यहाँ तक ले आता हूँ इसे। तो यहाँ से रिमूव कॉन्स्टेंट कर देंगे, तो जो हमारा इरर शो हो रहा है वो हट जाएगा, हट गया देखिए अब। तो अब हम इसे मूव करेंगे और यहाँ से 45 डिग्री बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं इमेज में एक बार और, ऊपर की ओर है हमारा 45, तो मूव करते हैं इसे, देखिए 35 पे हमारा मूव हो गया, इस तरह 45 डिग्री देखिए एंगल हमारा शो हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए एंगल, तो यहाँ पर 45 डिग्री पर कर लेते हैं हम इसे, ये 45 डिग्री पर आ गया। अब जितनी भी हमारी बाहर की एक्स्ट्रा वॉल है उन्हें हम ट्रिम कर देंगे, शॉर्टकट टी आर होता है, या तो ये देखिए टूल है हमारा, डायरेक्ट आप यहाँ से ले सकते हैं, क्लिक करते हैं और जो जो लाइन हमें चाहिए, हमें ये लाइन चाहिए और ये लाइन चाहिए, बाहर की हमें नहीं चाहिए, हट गई देखिए। अब हम इसे ओके कर देंगे, देखिए हमारी जो वॉल है वो देखिए इस तरह से इतनी वॉल बची है अब केवल। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें,
सेम इसी तरह से भी 45 डिग्री का इधर भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो लेफ्ट व्यू पर जाएंगे व्यू क्यूब की हेल्प से और यहाँ से इस वाली वॉल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी उसी तरह का सेम ड्रॉ करेंगे ऑब्जेक्ट 45 डिग्री पर। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ या तो फिर एडिट प्रोफाइल पर फिर से जाता हूँ, तो हमारी देखिए पिंक कलर की लाइन शो हो गई हैं। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं एक बार फिर से। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ यहाँ पर 45 डिग्री यहाँ से। एंगल देखिए हमारा 135 है, यानी कि 90 प्लस 45 135 होता है। इस तरह से कुछ हमें ड्रॉ करनी थी। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वॉल्स हैं वो हमें ट्रिम करनी पड़ेगी, वरना देखिए हमारा फिर से ओके नहीं होगा, क्योंकि देखिए अभी हमारा क्लोज लूप नहीं बन रहा है। कैंसिल कंटिन्यू कर देंगे इसे और इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसे कंप्लीट करने के लिए हमें ये वाली वॉल डिलीट करनी पड़ेगी और यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, तभी हमारा मूव होगा। तो हम लोग इस वाली वॉल को पहले डिलीट कर देते हैं, इसको भी यहाँ से डिलीट करेंगे। लेकिन यहाँ से देखिए हमारा पूरा ट्रिम करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से इस वाली वॉल को सेलेक्ट करेंगे, इस वाली वॉल को सेलेक्ट करेंगे, देखिए हमारा ये इतना लूप बन चुका है। इस वाली वॉल को डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और यहाँ से हम लोग इसे क्लोज कर देंगे पूरा। इस तरह से ओके कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर भी बन चुका है, लेकिन जो हमारे नीचे की सारी वॉल्स है वो हमारी हाइड हो चुकी चली गई हैं। तो चलिए हम लोग लेवल 4 तक फिर से वॉल ड्रॉ कर लेंगे लेवल 1 से। तो लेवल 1 पर जाऊँगा मैं प्रॉपर्टीज़ ब्राउज पर और मैं इस बार अब वॉल ड्रॉ करूँगा 9 इंच की फिर से, ताकि जो हमारा गैप है वो शो हो। तो यहाँ से इस बार हम लोग क्या करेंगे, लोकेशन लाइन है जो कि हमारा कर्टेन वॉल है, अभी ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से 9 इंच वाली वॉल ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी लोकेशन लाइन है अभी सेंटर लाइन है, ये देखिए लोकेशन लाइन का ऑप्शन है, ये हमारा सेंटर लाइन है। तो इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके हम लोग फिनिश फेस एक्सटीरियर या फिनिश फेस इंटीरियर ले लेंगे। क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं फिनिश फेस एक्सटीरियर ले लेता हूँ। क्लिक करता हूँ कहीं पर भी, ये अभी हमारी वॉल है वो बाहर से ड्रॉ हो रही है। तो मैं स्पेस के साथ स्पेस की प्रेस करूँगा तो इसे फ्लिप कर दूँगा, ये देखिए इस तरह से अंदर की तरफ, और यहाँ तक इसे लास्ट तक ड्रॉ कर लेता हूँ। सेम प्रोसेस यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर इसे फिनिश कर देता हूँ। इस डबल बार स्केप करके वो कमांड से बाहर आता हूँ। तो बाहर आने के बाद आप देखिए हम लोग 3D पर चलते हैं। तो ये अभी देखिए हमारे लेवल 2 तक है। तो कंट्रोल के साथ दोनों वॉल को सेलेक्ट करेंगे और कहाँ तक चाहिए हमें, लेवल 4 तक चाहिए, इस बार यहाँ तक चाहिए, पैरापिट तक नहीं चाहिए। तो टॉप कॉन्स्टेंट पर जाएंगे और अनकनेक्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लेवल 5 पर जाएंगे और अप्लाई कर देंगे यहाँ से। तो हमारी देखिए लेवल 5 तक क्रिएट हो गई हैं वॉल्स। तो इस वाली वॉल को इस बार हम हाइड कर देंगे डबल से। हाइड करने के बाद फ्रंट व्यू पर जाएंगे। तो इतना पोर्शन क्रिएट होने के बाद अब हम लोग इमेज को देखते हैं एक बार। तो इमेज पर देखिए मैं रेलिंग ड्रॉ करूँगा, ये रेलिंग है हमारी। तो इस तरह की रेलिंग किस तरह से ड्रॉ करेंगे, देखिए ड्रॉ है हमारी दोनों साइड पर ड्रॉ है, इसके लिए हमने वॉल्स पर कटिंग प्रोवाइड की थी। तो अब चलिए फिर से रेविट पर चलते हैं और रेलिंग ड्रॉ करते हैं इसके लिए। तो इसको मैं ड्रॉ करूँगा एक्सट्रूजन की हेल्प से। तो यहाँ से सबसे पहले मैं जाता हूँ आर्किटेक्चर पर और यहाँ से सेम प्रोसेस है, कंपोनेंट वाले ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, मॉडल इन प्लेस पर जाएंगे, जेनरिक मॉडल को लेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। ओके करेंगे और यहाँ से हम पहले काम करेंगे, एक्सट्रूजन को क्रिएट करने से पहले वर्क प्लेन को सेट करेंगे। तो सेट वर्क प्लेन पर जाएंगे और यहाँ से पिकअप प्लेन वाले ऑप्शन को पिक करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ से फिर हम लोग जाएंगे प्लेन को सेट करेंगे। तो प्लेन को सेट करने के लिए हम लोग टॉप पर जाते हैं पहले व्यू क्यूब की हेल्प से या शिफ्ट से रोटेट कर लेते हैं इसे। अब टॉप पर जाएंगे तो अभी देखिए हमारा शीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग अब कर्सर ले जाएंगे। देखिए हमारा प्लेन जो रूफ है हमारी वो ब्लू लाइन से हाईलाइट हो रही है, अब देखिए। तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब शिफ्ट साथ रोटेट करके देखेंगे कि हमारा प्लेन सही सेलेक्ट है कि नहीं। तो हमारा प्लेन एकदम सही सेलेक्ट है। तो अब हम लोग टॉप पर जाएंगे, एकदम एडजस्ट कर लेंगे इसे और अब जाएंगे यहाँ से क्रिएट पर। क्रिएट पर जाने के बाद एक्सट्रूजन को लेंगे। एक्सट्रूजन के बाद लेने के बाद मैं देखिए यहाँ से मिड से बनाऊँगा लाइन इसके और साइड में 1-1 इंच दोनों साइड ऑफसेट लूँगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑफसेट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और 1 इंच ऑफसेट ले लेंगे, क्योंकि मुझे 2 इंच का पाइप ड्रॉ करना है जिसकी 2 इंच। तो 2 इंच का पाइप ड्रॉ करने के लिए मैं मिडिल से लाइन लूँगा। तो देखिए मिडिल से हमारी लाइन नहीं है, क्योंकि हमारा मिडिल से लाइन इसलिए नहीं है क्योंकि हमने 1 इंच का ऑफसेट लिया है। तो वो ऑटोमेटिकली उसमें 1 इंच डिस्टेंस पर ही ड्रॉ हो रही है वो लाइन। चलिए मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ पूरी लाइन। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ इसके मिडिल पर। तो देखिए 1 इंच का ऑफसेट हमारा प्रोवाइड हो गया है। तो मैं इसी तरह सेकेंड साइड भी मिडिल से लेता हूँ और सेकेंड साइड पर भी इसी तरह ऑफसेट प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसके मिड पॉइंट को पर क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा ऑफसेट, इस बार देखिए अभी हमारा लाइन नहीं पिक है,
फिर से हम लाइन को पिक करेंगे और यहाँ से फिर से ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस बार हमारा उसी साइड पर फिर से ड्रॉ हो रहा है, लेकिन इस बार हमारा ऑफसेट हट चुका है, तो फिर से हम लोग स्किप करेंगे और 1 इंच ऑफसेट फिर से डालेंगे 1 इंच और इसको फिर से क्रिएट करेंगे। तो ये देखिए इस बार हमारा उसी साइड पर फिर से क्रिएट हो रहा, तो स्पेस के साथ इसको फ्लिप कर देंगे, स्पेस बार को प्रेस करेंगे। तो देखिए हमारा फ्लिप हो गया है। अब ये देखिए इस तरह से फ्लिप करने के बाद हम लोग पूरी उसी तरह सेम टू सेम ड्रॉ कर देंगे फिर से। ये देखिए मेरा ड्रॉ कंप्लीट हो चुका है। हम लोग डबल स्किप करके कमांड से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद हम लोग इसको चेक कर देंगे, मतलब ओके कर देंगे। तो देखिए हमारा अभी भी एरर शो हो रहा है, क्योंकि हमारी जो लूप नहीं लूप अभी जो हमारा है पिंक लाइन का लूप है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए हमारा एरर शो हो रहा है। तो हम लोग पहले कंटिन्यू करेंगे और इस लूप को कंप्लीट करेंगे। तो मैं फिर से लाइन लूँगा और इस लूप को कंप्लीट करूँगा, क्लोज करूँगा यहाँ से और यहाँ से क्लोज करूँगा, और जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन है उसे ट्रिम कर देंगे। तो TR शॉर्टकट दबाएंगे या तो फिर ट्रिम वाला टूल लेंगे और यहाँ से जिस जो लाइन हमें चाहिए, देखिए हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन है, तो इस ये लाइन हमें चाहिए, ये लाइन चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए ट्रिम हो गई, इसे ओके कर देंगे। देखिए हमारी बन चुकी है ग्रिल। तो यहाँ पर हम लोग टॉप व्यू से जाकर देखते हैं, तो ये देखिए हमारी कुछ इस तरह से ड्रॉ हुई है, शिफ्ट साथ रोटेटर देखते हैं, तो ये देखिए इस तरह से। चलिए हम लोग इसे फ्रंट व्यू में एडजस्ट कर लेते हैं जितने भी हमें चाहिए। तो बाहर कहीं क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी हमें देखिए ऊपर वाले एरोज नहीं शो हो रहे हैं, तो बाहर मैं कहीं क्लिक करता हूँ और फिर से जाके इसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा, तो देखिए हमें ऊपर वाले एरो शो हो रहे हैं। अभी इस एरो को ड्रैग करके नीचे लाऊंगा, जितनी भी थिकनेस चाहिए उस थिकनेस पर मैं इसे इंसर्ट करा दूंगा। तो मुझे इतनी थिकनेस चाहिए इसकी, तो मैंने इस पर इतने पर इसको इंसर्ट करा दिया है। अब चलिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ऊपर भी। तो मैं फिर से कॉपी टूल लूँगा, कॉपी का शॉर्टकट होता है CO। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और एंटर, उसके बाद मैं इसे कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस एक कॉर्नर को सेलेक्ट करता हूँ और इसे माउस को ऊपर की ओर ड्रैग करता हूँ। देखिए हमारा ऊपर की ओर नहीं शो हो रहा है लोकेशन लाइन, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो हमारा कांस्टेंट का ऑप्शन है वो चेक है अभी, तो उसको हम लोग अनचेक करेंगे। ये देखिए हमारा कांस्टेंट का ऑप्शन है, ये भी चेक है हमारा, इसको हम लोग अनचेक कर देंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हर एक डायरेक्शन में मूव होने लगेगा। इसको मैंने अनचेक कर लिया, अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है वो हर डायरेक्शन में मूव हो रहा है। चलिए हम लोग इसे ऊपर मूव कर लेते हैं, एकदम स्ट्रेट मूव करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे 7 इंच पर मूव करता हूँ, देखिए 7 इंच की डिस्टेंस में मूव कर लिया है मैंने। तो यहाँ पर देखिए फिर से मेरा हट चुका है, तो फिर से मैं इसे कॉपी करूँगा, तो इसी तरह मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं फिर से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इस बार मैं मल्टीपल वाले ऑप्शन को चेक कर दूँगा ताकि मुझे बार बार कॉपी ना करना पड़े। तो मैं फिर से यहाँ से लूँगा 7 इंच लिया था मैंने, 7 इंच, और इस बार मैं देखिए दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और इस तरह से कॉपी करूँगा, कंट्रोल के साथ दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इस बार कॉपी लेंगे, और इस बार इस पॉइंट से मैं कॉपी करूँगा ताकि मुझे बार बार कॉपी ना करना पड़े। तो इस तरह देखिए हमारा ग्रिल बन चुकी है कंप्लीट। तो हम लोग इसे सेलेक्ट करके एडजस्ट कर लेंगे इन एरोज की हेल्प से, यहाँ तक जहाँ तक हमारी वॉल है, वॉल के अंदर कर देंगे इस तरह से। सेम प्रोसेस है, इसी तरह हम लोग लेफ्ट वाले व्यू को भी एडजस्ट कर लेंगे व्यू क्यूब की हेल्प से, लेफ्ट व्यू पर आएंगे और ये देखिए हमारा यहाँ पर भी नहीं है, अभी शिफ्ट के साथ रोटेट करके देखिए अभी ये हमारा अलग पार्ट है एकदम। तो इसको हम लोग ड्रैग करके एडजस्ट करेंगे पहले लेफ्ट पे, उसके बाद जा करके क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट पे और इस एरोस की हेल्प से इसे बाहर की ओर एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा जूम करेंगे, बाहर कहीं क्लिक करेंगे, हमारी डायमेंशन एडजस्ट हो रही थी, सेम इसी में भी इसको भी एडजस्ट कर लेंगे, इसको भी एडजस्ट कर लेंगे और इसको भी एडजस्ट कर लेंगे, इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी ग्रिल बनकर कंप्लीट हो चुकी है। तो डिस्टेंस आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से इसे फिनिश कर देता हूँ। मटेरियल हम लोग इसमें नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, यानी कि प्रोवाइड करेंगे। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इमेज पर देखते हैं एक बार। तो अब हम लोग इसका ये जो हमारी थर्ड फ्लोर है हम लोग उस पर ये ग्रिल प्रोवाइड करेंगे। ये देखिए जिस पर हाफ ग्लास लगा हुआ है हमारा और हमारी हाफ ब्रिक मशीनरी की वॉल है। तो रिवेट पर जाते हैं फिर से, और हम लोग का कौन सा था, Level 3 था। Level 3 पर डबल क्लिक करेंगे जो हमारा प्रोजेक्ट ब्राउज पर है, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और Level 3 पर हम लोग आ जाएंगे। तो देखिए मैं Level 3 पर आ चुका हूँ। तो अब हम लोग यहाँ से वॉल लेंगे 4 इंच की, तो आर्किटेक्चर पर जाएंगे, वॉल वाले ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, वॉल आर्किटेक्चर लेंगे। वॉल आर्किटेक्चर लेने के बाद देखिए अभी हमारी 9 इंच है, तो यहाँ इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से 5 इंच की वॉल लेंगे। 5 इंच की वॉल मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, तो मैं यहाँ तक इसको हाफ तक ड्रॉ करूँगा, मिडिल हमारा ये है, यहाँ तक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इधर का ऑप्शन शो हो रहा है, चलिए देखते हैं क्यों शो हो रहा है, 3D पर जाते हैं। तो ये हमारा इधर का ऑप्शन इसलिए शो हो रहा है क्योंकि देखिए हमारी वॉल पूरी ऊपर तक क्रिएट हो गई है,
तो हम लोग इसे 3 इंच पर सेट कर देंगे। तो इस वॉल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन होता है टॉप कांस्टेंट। तो टॉप कांस्टेंट अभी देखिए हमारा किसी भी लेवल पर नहीं है, अनकनेक्टेड है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए नीचे अनकनेक्टेड वाला ऑप्शन है, वहाँ पर जा करके 3 इंच इसकी हाइट दे देंगे, सॉरी 3 फीट, और एंटर कर देंगे और इसे अप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमारी 3 फीट की वॉल प्रोवाइड हो गई है। तो अब चलिए हम लोग इस पर कट देते हैं, थोड़ी सी वॉल और बड़ी कर देते हैं ड्रॉप डाउन के एरो की हेल्प से। तो वॉल हमारी थोड़ी और बड़ी हो चुकी है। अब हम चलिए इसको एडिट करते हैं इसी तरह की सेम 45 डिग्री के एंगल पर। तो इस वॉल को सेलेक्ट करते हैं, एडिट प्रोफाइल पर जाते हैं। एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। अब देखिए शो हो गया ऑप्शन हमारा एडिट प्रोफाइल का, क्लिक करेंगे इस पर। अगर आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन नहीं शो होता है तो इस वॉल पर डबल क्लिक करेंगे तो वो फिर से एडिट का ऑप्शन पर शो हो जाएगा। यहाँ पर मैं 45 डिग्री का एंगल देखूँगा, 45 डिग्री के एंगल पर हमारी वॉल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ से रिमूव कांस्टेंट कर देंगे, देखिए हमारी वॉल क्रिएट हो चुकी है। अब हम लोग एक्स्ट्रा पार्ट है जो हमारा उसको ट्रिम कर देंगे। तो यहाँ से जाऊँगा TR शॉर्टकट प्रेस करूँगा या तो फिर ट्रिम पर यहाँ से ट्रिम टूल लूँगा और यहाँ से इसको ट्रिम कर दूँगा। तो देखिए हमारी ट्रिम भी हो गई और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था वो ज्वाइन भी हो चुका है। चलिए मैं दिखाता हूँ फिर से आपको, कंट्रोल जेड करके वापस आता हूँ। और देखिए यहाँ पर हमारा अभी ज्वाइन नहीं है, तो मैंने यहाँ से ट्रिम एंड एक्सटेंड टूल लिया। ये वॉल हमें चाहिए, ये वॉल चाहिए। ये देखिए हमारी एक्स्ट्रा वॉल चली भी गई और जो हमारी ज्वाइन नहीं थी वो भी ज्वाइन हो गई। यहाँ से ओके कर देंगे, फिनिश हो गई हमारी वॉल, कंप्लीट हो गई है। अब सेम चलिए जितना हमारा पार्ट बचा है हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कर्टेन वॉल, यानी कि ग्लास वॉल। जो ग्लास रेलिंग लगाएंगे हम लोग को लगाएंगे कर्टेन वॉल की हेल्प से। हम लोग जाते हैं यहाँ से टॉप पर और यहाँ से जाते हैं आर्किटेक्चर पर। वॉल वाले ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, वॉल आर्किटेक्चर लेंगे और यहाँ से जो हमारी बेसिक वॉल है अभी 5 इंच है, तो ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कर्टेन वॉल 1 लेंगे। कर्टेन वॉल 1 लेने के बाद यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे कर्टेन वॉल। कर्टेन वॉल देखिए अभी हमारी अंदर की ओर ड्रॉ हो रही है, तो स्पेस बार का यूज़ करेंगे और इसे फ्लिप कर लेंगे देखिए बाहर की ओर इस तरह से, और यहाँ से इसको ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से कुछ। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमारा ओवरलैप का ऑप्शन शो हो रहा है। स्केप करके पहले बाहर आएंगे, फिर 3D पर जाएंगे और इसे भी एडजस्ट करेंगे। 3D पर हम पहले से ही हैं, तो फ्रंट व्यू पर आते हैं व्यू क्यूब की हेल्प से। और यहाँ पर देखिए कर्टेन वॉल हमारी, स्केप करके पहले बाहर आएंगे तभी हमारी वॉल सेलेक्ट होगी। चलिए इसे भी 3 फीट की हाइट दे देते हैं। तो हाइट कैसे देते हैं, प्रॉपर्टीज़ पर जाते हैं, टॉप कांस्टेंट पर जाएंगे। बेस कांस्टेंट हमारा लेवल 3 है यहाँ पर देखिए। तो बेस से हमारी जो बेस कांस्टेंट का मतलब होता है जहाँ से हमारी वॉल स्टार्ट हो रही है। टॉप कांस्टेंट का मतलब होता है कि जहाँ पर जहाँ तक हमें वॉल की हाइट चाहिए। तो वॉल की हाइट हमें चाहिए 3 फीट पर, तो 3 फीट यहाँ से मैं पुट कर देता हूँ और यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए हमारी 3 फीट की हाइट प्रोवाइड हो चुकी है वॉल में। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद देखिए अभी भी शिफ्ट से थोड़ा सा रोटेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी इमेज है, ये देखिए हमारी इमेज, तो यहाँ पर देखिए हमारा ओपन है और यहाँ पर 3 इंच की वॉल और है, सॉरी 3 फीट की वॉल है, पैरापिट वॉल। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी हमारी पूरा कवर अप एरिया है। तो इसको चलिए कैसे हटाएंगे देखिए। तो यहाँ पर इस वॉल पर सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस वॉल को अगर हम लोग नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारी पूरी नीचे ड्रैग होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम लोग इतनी वॉल को डिलीट कर देंगे या तो उसे यहाँ से रिमूव कर देंगे। कट लगाने के लिए यहाँ से हम लोग स्प्लिट एलिमेंट टूल का यूज़ करेंगे। तो स्प्लिट एलिमेंट का टूल का यूज़ देखिए किस तरह करते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा स्प्लिट एलिमेंट टूल है मॉडिफाई में, इसका शॉर्टकट होता है SL। ये देखिए स्प्लिट एलिमेंट टूल है और ये हमारा स्प्लिट एलिमेंट टूल गैप है। जो हमें 1 इंच का गैप चाहिए होता है तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं, और जब हमें गैप नहीं चाहिए होता तब हम लोग स्प्लिट एलिमेंट टूल का यूज़ करते हैं। तो हमें लेफ्ट वाले का यूज़ करना है विदाउट गैप, यानी कि स्प्लिट एलिमेंट का। तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से किसी भी डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर मैं देखिए डिस्टेंस लूँगा लगभग 5 इंच ले लेता हूँ, वो सॉरी 5 फीट। तो नीचे देखिए हमारी शो हो रही है, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कहाँ पर हमारी शो हो रही है। ये देखिए हमारी शो हो रही है यहाँ पर डिस्टेंस 5 इंच हमारी, सॉरी 5 फीट, यहाँ पर डिस्टेंस देखिए हमारी शो हो रही है 5 फीट। तो 5 फीट पर हम लोग स्प्लिट करेंगे इसे। तो यहाँ से देखिए जैसे जैसे मैं अपना कर्सर मूव करता हूँ टूल लेने के बाद, तो देखिए हमें डिस्टेंस शो हो रही है, तो मैं इसे यहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ। वॉल देखिए हमारी स्प्लिट हो चुकी है। अब डबल बार स्केप दबाएंगे और टूल से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद इस वॉल को सेलेक्ट करेंगे और इसे नीचे की ओर ड्रॉप डाउन कर, नीचे की ओर ड्रॉप कर देंगे। यहाँ तक हमारी इतनी कुछ क्रिएट हो चुकी है। इसकी भी हम लोग कुछ हाइट दे देते हैं, तो इसकी हाइट मैं देता हूँ यहाँ पर 6 फीट। तो इस वॉल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे टॉप कांस्टेंट पर। टॉप कांस्टेंट हम अभी हमारा कितना है, तो यहाँ पर देखिए कुछ टॉप ऑफसेट शो हो रहा है लेकिन कांस्टेंट नहीं शो हो रहा। तो यहाँ से हम लोग पहले करेंगे लेवल 2 और उसके बाद अब देखिए या तो यहाँ से कर देंगे हम लोग अनकनेक्टेड टॉप कांस्टेंट पर जाकर के, और यहाँ से इसे हाइट दे देंगे 6 फीट और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए हमारी वॉल है वो
सिक्स फीट पर अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए हमारा हाइड हो चुका है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारा पोर्शन है, यहाँ पर देखिए हमारी इमेज में वॉल बनी हुई है 3 फीट की। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर ये वॉल बनी है हमारी, ये इस वॉल को हम लोग क्रिएट करेंगे। इस वॉल को भी चलिए क्रिएट कर लेते हैं। तो लेवल 3 पर जाएंगे प्रोजेक्ट ब्राउज पर, लेवल 3 पर जाने के बाद यहाँ से 5 इंच की वॉल लेंगे। 5 इंच की वॉल लेने के बाद ये देखिए अभी हमारी कर्टेन वॉल सेलेक्ट है, यहाँ से 5 इंच की मैंने वॉल ली। अब यहाँ से मैं वॉल क्रिएट करूँगा, तो यहाँ से देखिए अभी सेंटर लाइन हमारा वॉल है, लोकेशन लाइन, तो मैं वॉल यहाँ से ड्रॉ करूँगा। देखिए हमारी सेंटर से ड्रॉ हो रही है, हम लोग स्पेस का यूज़ करेंगे, फिर भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ से स्किप करूँगा पहले, और फिर उसके बाद यहाँ से लोकेशन लाइन जो है हमारी, इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करूँगा और यहाँ से फिनिश फेस एक्सटीरियर या तो फिनिश फेस इंटीरियर ले लूँगा। तो यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा वॉल को, लेकिन मुझे कितनी चाहिए, 3 फीट की चाहिए। तो मैं यहाँ से इस बार यहीं से डिस्टेंस पुट कर देता हूँ इसकी 3 फीट, और यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ इस तरह से कुछ। देखिए हमारी बाहर की ओर ड्रॉ हो रही है, तो इसको स्पेस बार के साथ स्पेस प्रेस करके इसको फ्लिप कर देंगे इस तरह से, देखिए अंदर की ओर, और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब स्केप करके वॉल से बाहर आ जाएंगे वॉल कमांड से, उसके बाद 3D पर जाएंगे। तो ये देखिए हमारी 3 फीट की वॉल ड्रॉ हो चुकी है। तो वॉल ड्रॉ होने के बाद देखिए अभी भी हमारा क्या है, थोड़ा सा रूफ शो हो रहा है, रूफ जो हमारी शो है, तो इसको एडजस्ट करते हैं, लेफ्ट व्यू पर जाते हैं। लेफ्ट व्यू पर जाने के बाद इस वॉल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से अभी देखिए हमारा एरो नहीं शो हो रहा है राइट में, तो फिर से कहीं बाहर क्लिक करेंगे और फिर से इस वॉल पर क्लिक करेंगे। अभी भी एरो नहीं शो हो रहा है, तो क्या करेंगे, एडिट प्रोफाइल पर जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारी पिंक कलर की लाइन शो होने लगी है, पिंक कलर की लाइन शो होने लगी है। तो इस वाली वॉल को मैं बाहरी वाली जो वॉल है हमारी राइट वाली, इसको सेलेक्ट करके मूव करके बाहर तक लाऊंगा। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद आप मूव टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे डायरेक्ट जब सेलेक्ट कर लिया है मैंने, सेलेक्ट करने के बाद ये लाइन ब्लू कलर की होगी। ब्लू कलर होने के बाद अब इस पर कर्सर लेके जाएंगे और इस पर क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करेंगे और बाहर की ओर मूव कर लेंगे, फिर अंदर की ओर मूव करेंगे और इसी पर एडजस्ट कर देंगे इसको। यहाँ से रिमूव कॉन्स्टेंट कर देंगे, इसे लॉक कर देंगे। तो ये देखिए हमारी वॉल क्रिएट हो चुकी है, इसे ओके कर देंगे। 3D पर जाएंगे, 3D पर हम पहले से ही हैं, तो इस बार फ्रंट व्यू पर जाते हैं। फ्रंट व्यू पर देखिए अभी हमारा ग्लास का पार्ट जो है थोड़ा अलग शो हो रहा है, तो इस पर ग्लास वाले पार्ट पर क्लिक करेंगे और इस एरो की हेल्प से इसको इस पर एडजस्ट कर देंगे। यहाँ से इसको भी लॉक कर देंगे। तो अब देखिए हमारी ये क्रिएट हो चुकी है याली वॉल भी। अब क्या हम लोग क्रिएट करेंगे, अब देखिए हम लोग क्रिएट करते हैं जो हमारा ग्लास का सपोर्टिंग पार्ट होता है, जो हमारा एल्युमिनियम या स्टील का प्रोवाइड होता है, जिससे कि हमारा ग्लास टूटे ना, एडजस्ट रहे एक जगह पर। उसके लिए हम लोग साइड साइड पे ग्लास के स्टील का या तो फिर एल्युमिनियम का मुलिन प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए हम लोग मुलिन कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो आर्किटेक्चर पर जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा मुलिन, ये देखिए मुलिन है हमारा, तो इस पर क्लिक करेंगे मुलिन पर और कर्सर लेकर जाएंगे अपना। तो ये देखिए हमारा हाईलाइट होने लगा है, जैसे ही ग्लास के एंड पर जो हमारा एड्ज है, एड्ज पर लेके जाएंगे कर्सर, वैसे ही देखिए हमारा हाईलाइट शो हो रहा है डॉटेड लाइन से, फिर क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारी मुलिन प्रोवाइड हो गई है। सेम हम लोग इसी तरह विंडोज़ पर भी मुलिन प्रोवाइड करते हैं, विंडोज़ और डोर हैं। तो देखिए अभी हमारा एक एक करके मुलिन प्रोवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर ये देखिए हमारा ऑप्शन आता है ऑल ग्रिड लाइन्स, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद किसी भी विंडोज़ या डोर पर जाएंगे तो हमारा एक बार में ही सारी मुलिन्स अप्लाई हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से सारी मुलिन्स में अप्लाई कर दिया है मैंने, देखिए अब सब पर। तो अब चाहिए मुझे क्या, इमेज को देखते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पर देखिए हमारा कोई भी कट नहीं है अभी भी विंडो के बीच में। अगर हमें कट लगाना होता तो हम लोग एक मुलिन बीच में भी अप्लाई कर देते यहाँ पर भी। तो यहाँ पर किस तरह से अप्लाई करेंगे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जाएंगे कर्टेन ग्रिड पर, कर्टेन ग्रिड पर जाने के बाद ये जो ऊपर वाला हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट है मुलिन पर, उस पर अपने कर्सर को मूव करेंगे तो देखिए हमारी डिस्टेंस शो हो रही है। तो जो हमारी डॉटेड लाइन से शो हो रही है, वही देखिए हमारी 2 फीट 3 इंच शो हो रही है ना, तो यहीं पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारा ग्लास यहाँ से कट जाएगा। अब हम लोग जाएंगे मुलिन पर और यहाँ से मुलिन इस पर प्रोवाइड कर देंगे। देखिए हमारी मुलिन प्रोवाइड हो गई, इस तरह से हमारी विंडो क्रिएट हो जाती है। तो हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं ताकि हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, चलिए देखते हैं। तो इतना पोर्शन हमारा ड्रॉ हो चुका है, उसका इमेज को देखते हैं फिर से। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा इतना पोर्शन ड्रॉ हो चुका है। अब हम लोग ये जो फ्रंट वॉल है हमारी लेवल 2 की और लेवल 4 की, तो इस पर हम लोग पैरापिट वॉल ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर हम लोग लेवल 4 पर ग्लास वाली पैरापिट ड्रॉ करेंगे और नीचे हम लोग पैरापिट ड्रॉ करेंगे जिसमें हाफ हमारी ग्लास की पैरापिट होगी, रेलिंग होगी, और जो हाफ होगी हमारी वो ब्रिक की होगी। तो चलिए हम लोग फिर से रैबिट पर चलते हैं और यहाँ से हमें पहले लेवल 4 की पहले हम ड्रॉ करते हैं। तो लेवल 4 की ड्रॉ करने के लिए चलिए देखते हैं अपन इसे शिफ्ट से रोटेट करके। तो यहाँ पर देखिए लेवल 4 पर मैंने रूफ नहीं ड्रॉ की है, तो रूफ जो मैंने ड्रॉ की थी वो अंदर की ओर ड्रॉ की थी। चलिए इसे बड़ा कर लेते हैं। तो बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेवल 4 पे हमें ड्रॉ करनी है, तो प्रोजेक्ट ब्राउज पर जाएंगे और लेवल 4 पर डबल क्लिक करेंगे।
डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो लेवल 4 वाली रूफ है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारी रूफ सेलेक्ट हो चुकी है। रूफ सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ से एडिट बाउंड्री पर जाएंगे और एडिट बाउंड्री पर जाने के बाद देखिए हमारी पिंक कलर की लाइन शो हो गई है। लाइन शो हो जाने के बाद हमें ये वाली जो लाइन है वो हमें चाहिए यहाँ पर, ये जो लाइन है हमें ये लाइन हमें चाहिए यहाँ पर। तो हम लोग इसे डायरेक्ट मूव भी कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद, या तो हम लोग इसे माउस से क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग भी कर सकते हैं। चलिए मैं देखिए दो तरीके से करूँगा इसको। तो पहले तो मैंने इस पर वॉल को सेलेक्ट किया या ली जो बाउंड्री थी और सेलेक्ट करके माउस से ड्रैग कर लिया यहाँ तक, ये देखिए इस तरह से, और इसको छोड़ दिया क्लिक को। तो इस तरह से भी मूव कर सकते हैं और यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से मूव कर लिया है, ओके कर दिया। सेम हम लोग इसी तरीके से लेवल 2 पर भी हमने रूफ नहीं ड्रॉ की थी, तो लेवल 2 की भी इसी तरह से रूफ ड्रॉ कर लेंगे। लेवल 2 पर जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए हमारी अभी तो यहाँ पर ड्रॉ शो हो रही है लेकिन ये देखिए कुछ इस तरह से है। तो इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे इसी तरह से, गलत हो गई थोड़ी सी। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, अब इस तरह से इसको यहीं पर ला कर छोड़ देंगे। वो मैंने पहले ड्रॉ कर ली थी तो इसलिए यहाँ पर पहले से ही है। तो यहाँ पर इसी तरह से लेवल 2 की भी ड्रॉ कर लेंगे, लेवल 4 की भी ड्रॉ कर लेंगे रूफ। अब चलिए हम लोग यहाँ पर लेवल 2 पर हैं, तो लेवल 2 पर हम लोग बाउंड्री क्रिएट करते हैं। तो बाउंड्री क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर आर्किटेक्चर पर जाएंगे और यहाँ से हम लोग पहले इसको फिनिश कर देते हैं। हम लोग मॉडिफाई पर जाएंगे और फिनिश कर देते हैं, फिनिश हो गई हमारी। अब हम लोग आर्किटेक्चर पर जाएंगे, वॉल पर जाएंगे और वॉल आर्किटेक्चर लेंगे। हम लोग यहाँ पर 5 इंच की पैरापिट वॉल बनाएंगे, ये देखिए हमारी 5 इंच की नीचे शो हो रही बेसिक वॉल 5 इंच। तो यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारी लोकेशन लाइन जो है वॉल सेल्टर लाइन है, तो यहाँ से हम लोग पिक करेंगे फिनिश फेस एक्सटीरियर और यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर देंगे यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोग अंदर की ओर ड्रॉ कर देंगे इस तरह से कुछ। तो ये देखिए मेरी वॉल ड्रॉ हो चुकी है। 3D पर चल के देखते हैं, 3 फीट की होगी, ये देखिए 3 फीट की है। तो यहाँ पर देखिए इमेज पर देखिए यहाँ पर हमारा हाफ ग्लास लगा हुआ है और हाफ हमारी पैरापिट वॉल है। तो चलिए फिर से चलते हैं रेविट पर और फ्रंट पर इसे एडजस्ट करते हैं अपने हाउस को। फ्रंट पर एडजस्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वॉल को सेलेक्ट करेंगे, एडिट प्रोफाइल पर जाएंगे और यहाँ से हम लोग एक 45 डिग्री की लाइन क्रिएट करेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ट्रिम कर देंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लाइन लेते हैं। लाइन लेने के बाद इसके कहीं पर भी मिडल पर या यहाँ से थोड़ा क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद 135 डिग्री पर से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हम अपने एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देंगे। शॉर्टकट होता है TR, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये चाहिए हमें और ये चाहिए, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये एक्स्ट्रा पार्ट हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम इसे डिलीट कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमारा कंप्लीट लूप बन चुका है और हम इसे ओके कर देते हैं। ये देखिए हमारी वॉल क्रिएट हो चुकी है। इस एरो को ड्रैग करके पीछे ला देंगे थोड़ा सा इस तरह से, ये देखिए हमारी वॉल क्रिएट हो चुकी है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर हम लोग ग्लास लगाएंगे। तो अब यहाँ से हम लोग ग्लास वाली वॉल लेंगे। तो लेवल 2 पर फिर से जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे वॉल पर, ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, वॉल आर्किटेक्चर, और यहाँ से बेसिक वॉल वाले ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर्टेन वॉल 1, और यहाँ से हम लोग इस वाले पॉइंट से अपनी कर्टेन वॉल को ड्रॉ कर देंगे अंदर की ओर या बाहर की ओर। तो मैं बाहर की ओर ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर इस तरह से। तो स्केप करके बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर 3D पर जाके देखेंगे। तो ये देखिए हमारी कुछ ड्रॉ हो चुकी है इस तरह से। फ्रंट पर जाके देखते हैं, ये देखिए हमारी हाफ रेलिंग और हाफ वॉल ड्रॉ हो चुकी है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस वॉल को सेलेक्ट करेंगे और हल्का सा नीचे कर देंगे इसे, ताकि हमारी मुलिन जो हम लगाएं वो कायदे से शो हो। तो यहाँ पर हम लोग मुलिन पर जाएंगे और यहाँ पर अपना माउस लेकर जाएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। देखिए हमारी मुलिन लग चुकी है, ये वॉल हमारी थोड़ी सी बड़ी शो हो रही है, 3 फीट की है ये भी, कोई बात नहीं उसको छोड़ दीजिए। और अभी देखिए हम लोग कर्टेन वॉल को सेलेक्ट करके थोड़ा सा अंदर लाएंगे ताकि हमारी सही से एडजस्ट हो जाइए थोड़ी सी। अब सही है ये हमारी वॉल। अभी भी गलत लगी है थोड़ी सी। तो यहाँ पर हम लोग फ्रंट व्यू पर आते हैं फिर से और इसको बराबर सही कर देते हैं 3 फीट पर। तो वॉल को सेलेक्ट करके यहाँ से हम लोग 3 फीट डाल देंगे, तो ये ज़्यादा सही रहता है अनकनेक्टेड पर। और यहाँ से अप्लाई कर देंगे 3 फीट पर, देखिए एडजस्ट हो गया, हमारी वॉल सही लग रही थोड़ी। इसको यहीं से ड्रैग करके यहीं तक कर देंगे इसको। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी इसकी पैरापिट की जो लेवल 2 है वो ड्रॉ हो चुका है। अब हम लोग लेवल 4 की बात करेंगे, तो लेवल 4 पर जाएंगे, प्रोजेक्ट ब्राउज पर डबल क्लिक करेंगे लेवल 4 पर, और यहाँ से सेम प्रोसेस, यहाँ पर हमें पूरी ग्लास की चाहिए। तो यहाँ पर वॉल वाले ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, वॉल आर्किटेक्चर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर्टेन वॉल हमारी एक्टिवेट है।
यहाँ से अब हम लोग मिडल पर एक वॉल इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें शो नहीं हो रहा था एरो अपना, इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं हम। चलिए 3D पर जाकर देखते हैं कि हमारी ड्रॉ हुई कि नहीं। तो देखिए हमारी एक साइड तो ड्रॉ हुई, लेकिन दूसरी साइड हमारी कर्टेन वॉल नहीं ड्रॉ हुई है। तो फ्रंट पर जाते हैं फिर से। तो यहाँ पर ये देखिए रूफ जो हमारी प्रॉब्लम कर रही थोड़ी सी, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। आप चलिए फिर से ड्रॉ करते हैं, फिर से जाते हैं हम लोग लेवल 4 पर कर्टेन वॉल पर, और यहाँ से हमें कर्टेन वॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से कुछ ड्रॉ कर देते हैं इसको, ड्रॉ हो चुकी वॉल। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 3D पर जाकर देख लेते हैं एक बार और। तो ये देखिए शिफ्ट के साथ रोटेट करके देखिए कर्टेन वॉल दोनों साइड हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अब हम लोग मुलिन लगा देंगे, तो मुलिन वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इस पर पिक करेंगे, इस पर पिक करेंगे, देखिए मुलिन हमारी लग चुकी है। तो हमारी कर्टेन वॉल कम्प्लीट हो चुकी है। अब हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग फिर से इमेज पर चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखिए जो हमारी पैरापिट स्टोल के जो सामने जो हमारे स्टोन्स लगे हुए हैं, जो हमारी डिज़ाइन बाहर की ओर निकली हुई है, ये देखिए हम लोग यारी डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे ये वाली। तो इस वाली डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे, तो फिर से रैबिट पर चलते हैं अब हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक्सट्रूजन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको फ्रंट पर बनाएंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन जो बनी हुई है, ये हमारी लेवल 2 से लेवल 4 तक बनी हुई है। ये देखिए इमेज पर ये हमारा लेवल 2 है और ये लेवल 4 है। तो चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं इसे भी। तो एक्सट्रूजन की हेल्प से ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आर्किटेक्चर पर जाएंगे, फिर कंपोनेंट वाले ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से मॉडल इन प्लेस, और यहाँ से जेनरिक मॉडल, और फिर ओके, फिर ओके। अब उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लेन को सेट करेंगे। तो सेट वर्क प्लेन पर जाएंगे, और यहाँ से पिक अप प्लेन पर पिक करेंगे, और यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद हम लोग अपने जो व्यू है उसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे सबसे पहले शिफ्ट के साथ। तो हमें किस प्लेन पर ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ से इसी पैरापिट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये पैरापिट हमारे उसी प्लेन पर है। या तो हम लोग किसी भी एक रूफ को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन रूफ पर देखिए हमारा अभी ये देखिए इस तरह से रूफ को सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा ब्लू लाइन से अंडरलाइन हो गया है रूफ पर। तो इस प्लेन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से एक्सट्रूजन पर, और यहाँ से फ्रंट व्यू को एडजस्ट कर लेंगे कायदे से। तो ये हम लोग देखते हैं कि एक्सट्रूजन किस तरह से ड्रॉ करते हैं। देखिएगा आप लोग सही से सेम इसी तरह से एक्सट्रूजन ड्रॉ कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं ग्रिल के थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्रिल के थोड़ा सा ऊपर है हमारा, जो ग्लास की ग्रिल लगी हुई है उससे थोड़ा सा ऊपर है। तो यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरह से कुछ। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारी सिंगल लाइन है, इसे काफ़ी टाइम लगेगा। चलिए इसी से ड्रॉ करता हूँ मैं, समझ में आ जाए आप लोगों को। कंट्रोल जेड, थोड़ा सा बाहर चाहिए था, रेक्टेंगल लूँगा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर पिक करेंगे, और थोड़ा सा बाहर कर देंगे जो हमारी विंडो की लेयर है, इस तरह से यहाँ पर इसे थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा बाहर कर देंगे इससे, इस तरह से कुछ क्रिएट कर लेंगे उसको। अब देखिए सेकंड वाली में जो क्रिएट करूँगा वो देखिए किस तरह से क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लाइन को पिक करूँगा, लाइन को पिक करने के बाद मैं यहाँ से चलता हूँ, देखिए इस वाले पॉइंट से मैं इस तरह से इसको कवर करूँगा, पहले यहाँ तक, यहाँ तक हमारी वॉल है। उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा, नीचे हमें यहाँ पर देखिए चाहिए एक्सट्रूजन नीचे पैरापिट वॉल पे, और इसके जो विंडो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ नहीं चाहिए। तो जहाँ जहाँ हमें नहीं चाहिए मैं उसी तरह सेम एक्सट्रूजन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से कुछ। यहाँ सारा मुझे एक्सट्रूजन चाहिए, मैं उस एरिया को कवर अप करूँगा सबसे पहले। तो यहाँ भी मुझे एक्सट्रूजन चाहिए, तो मैं इस तरह से इसको कुछ कवर अप कर देता हूँ, और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर अभी देखिए हमारा एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसे हम लोग ट्रिम कर देंगे। तो इस लाइन को डिलीट करेंगे, चलिए सबसे पहले तो डिलीट कर देता हूँ मैं। लाइन को डिलीट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए हमारा ओपन है, अभी क्लोज लूप नहीं बनना है। तो क्लोज लूप को बनाएंगे, सबसे पहले लाइन को ज्वाइन करेंगे, इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन लाइन ज्वाइन हो गई हमारी, अब हम लोग ओके कर देते हैं इसे। तो ये देखिए हमारा बन चुका है, लेफ्ट व्यू पर जाते हैं एक बार। ये कुछ इस तरह से एक्सट्रूजन क्रिएट हो चुका है, हल्का सा इसे छोटा कर देंगे इस पर सेलेक्ट करके इस एरो की हेल्प से। तो ये देखिए कुछ एक्सट्रूजन इस तरह से हमारा क्रिएट हो चुका है यहाँ पर सेम इमेज की तरीके से। ये देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन, अब हम लोग को ये वाला पोर्शन क्रिएट करना है जो साइड पर है हमारा लेफ्ट व्यू पे। तो हम लोग चलते हैं रैबिट पर और लेफ्ट व्यू पर क्लिक करते हैं व्यू क्यूब की हेल्प से, और यहाँ से हमें देखिए अभी भी सही से शो नहीं हो रहा है ये एरिया। तो इस एरिया को अगर नहीं शो हो रहा है, तो इस वॉल को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके वो हाइड भी कर सकते हैं डबल एच से। तो मैं यहाँ पर पहले फिनिश कर देता हूँ, तो अब उसके बाद मैं इसको हाइड कर लेता हूँ ये वाली वॉल को डबल एच से।
अब चलिए हम इस एरिया पर फिर से एक्सट्रूजन ड्रॉ करेंगे। तो फिर से एक्सट्रूजन ड्रॉ करने के लिए मैं डायरेक्ट एक्सट्रूजन ड्रॉ करूंगा शॉर्टकट मेथड से। तो मैं एक्सट्रूजन वाले पार्ट को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से क्रिएट सिमिलर वाले ऑप्शन पर जाऊंगा और करूंगा ओके, और यहाँ से जेनरिक मॉडल को सेलेक्ट करूंगा ओके, और यहाँ से ओके फिर से। अब यहाँ पर हमको प्लेन सेलेक्ट करना है, तो प्लेन सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ से सेट वर्क प्लेन पर जाएंगे और यहाँ से पिकअप प्लेन पर जाएंगे, ओके करेंगे। तो मैं इस वाले प्लेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, या तो फिर इस वाले प्लेन को सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ पर हमारी पैरापिट वॉल बनी हुई है। तो मैं इसे किसी प्लेन को सेलेक्ट करता हूँ, किसी भी प्लेन को सेलेक्ट कर लूँगा जो हमारी लेफ्ट व्यू में जहाँ पर हमें ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से मैं एक्सट्रूजन लूँगा और अब मैं एक्सट्रूजन ड्रॉ करूँगा। तो एक्सट्रूजन देखिए मैं किस तरह से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरह से। यहाँ पर फिर से मेरी लाइन हो गई है, तो मैं फिर रेक्टेंगल लूँगा यहाँ पर हटा करके, कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं यहाँ तक कहाँ तक मुझे ड्रॉ करना है, लेवल टू तक, यहाँ तक मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। अब उसके बाद फिर देखिए इमेज को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हमारा हल्का सा कट है, तो इस तरह का पोर्शन क्रिएट करते हैं हम लोग लेफ्ट व्यू पर। तो लाइन पर फिर से मैं जाऊँगा और यहाँ से कुछ इस तरह से इसका पोर्शन क्रिएट कर दूँगा। तो ये हल्का सा बाहर है एरिया हमारा, तो यहाँ पर हल्का सा बाहर लेंगे, कंट्रोल जेड करके बैक करेंगे हल्का सा, ये इस वॉल से थोड़ा सा बाहर की ओर लेंगे, इस तरह से कुछ नीचे तक जाएंगे पूरा हम लोग। और यहाँ पर देखिए हमारा ये पूरा एरिया कवर अप है ये इस तरह से। अब जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम लोग डिलीट करेंगे। अगर हम लोग इस वॉल को डिलीट करना नहीं चाहते हैं, तो इसको हम लोग नहीं बनाना चाहते, तो क्या करेंगे, इस वॉल को ट्रिम करने का एक तरीका है, उसके लिए हम लोग इस पर एक कट लगाएंगे। तो स्प्लिट एलिमेंट पर जाएंगे और यहाँ से एक कट लगा देंगे इस पर, अब ट्रिम कर देंगे इसको। तो ये वाली लाइन हमें चाहिए और ये वाली लाइन चाहिए, देखिए ट्रिम हो गया पार्ट हमारा। ये वाली लाइन चाहिए, ये वाली लाइन चाहिए, देखिए ये भी लाइन ट्रिम हो गई, हमारा क्लोज लूप बन चुका है। अब हम लोग इसको फिनिश कर देंगे, अब उसके बाद फिनिश कर देंगे। अब देखिए हम लोग फ्रंट पर जाते हैं फिर से, हमारी डिज़ाइन देखिए क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अभी थोड़ी सी पतली सी हो रही है, तो इसको हल्का सा मोटा कर देंगे, थोड़ी सी इसकी थिकनेस इंक्रीज़ करेंगे। तो इस एरो की हेल्प से थिकनेस क्रिएट हल्की सी इसकी इंक्रीज़ कर देंगे, इतनी मैं कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट है वो अलग अलग शो हो रहा है, तो इसे ज्वाइन कर लेंगे आपस में। तो ज्वाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर ज्वाइन ज्योमेट्री टूल का यूज़ करेंगे, ये देखिए हमारा ज्वाइन ज्योमेट्री टूल है। तो इसको पिक करेंगे यहाँ से, और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारी जहाँ लाइन है वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से दूसरे वाले एरिया पर सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा अभी इरर शो हो रहा है, फिर से इसे करते हैं, इस पर पिक करते हैं और इस पर पिक करते हैं। ये देखिए हमारा ज्वाइन हो गया है, अब ये भी ज्वाइन हो चुका है एरिया। अब हम लोग इस व्यू को सही से एक बार देख लेंगे ताकि हमारा सही से एडजस्ट हुआ है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर भी एडजस्ट हो चुका है, यहाँ पर भी एडजस्ट हो चुका है, तो ये पोर्शन हमारा क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग जो हमारी व्यू हाइट थे वॉल्स, इस वॉल को फिर से वापस ला देते हैं। तो वापस लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी ऑब्जेक्ट हाइड है शॉर्टकट होता है HR, तो जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे हाइड होते हैं वो शो हो जाते हैं वापस से। HR प्रेस किया मैंने, देखिए सारे ऑब्जेक्ट हमारे फिर से शो हो गए। तो हम लोग फिर से इस वॉल को हाइड करेंगे सामने वाली, वरना हमें कुछ भी नहीं शो होगा। तो फिर से इस पर क्लिक करेंगे और डबल एच से इसे फिर से हाइड कर देंगे। तो देखिए हमारी हाइड हो चुकी है फिर से वॉल। अब उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी विंडोज़ लगी हैं इस पर हम लोग विंडोज़ और डोर लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डोर लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक डोर लगाऊंगा, एक डोर मैं यहाँ पर लगाऊंगा और एक डोर मैं यहाँ पर लगाऊंगा, यहाँ पर विंडो लगाऊंगा और यहाँ पर विंडो लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपनी कुछ मैंने डोर और विंडो डाउनलोड करके रखे हैं नेट से, तो आप लोग सिंपली नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग वहाँ पर रेविट फैमिली लिखिएगा, तो वहाँ पर आप लोगों को जो वेबसाइट आएगी, बहुत सी वेबसाइट है रेविट सिटी VIM ऑब्जेक्ट्स, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं डोर्स और विंडोज़। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर आर्किटेक्चर पर जाऊँगा, कंपोनेंट्स वाले ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करूँगा और यहाँ से प्लेस अ कंपोनेंट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से लोड फैमिली पर जाऊँगा और यहाँ से मैंने फैमिली यहाँ पर डाउनलोड करके रखी रेविट फैमिली। यहाँ से देखिए गेट्स हैं हमारे, ये फैमिली है। तो यहाँ से मैं देखिए अगर इस विंडो को डाउनलोड करता हूँ, सॉरी यहाँ से लोड करता हूँ अगर इसको, तो यहाँ पर एरर शो होगा, लोड नहीं होगी ये, तो लोड हो चुकी है शायद मेरी, देखिए लोड नहीं हुई है यहाँ पर, ये यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया हमारा। तो इसका लोड करने का दूसरा तरीका है, अगर हमको डोर को लोड करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें लेवल वन पर लगाना है। तो लेवल वन पर सबसे पहले जाएंगे हम लोग, लेवल वन पर हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डोर पर जाएंगे, हमें डोर लगाना है इसलिए, तो डोर पर जाएंगे। डोर पर जाने के बाद यहाँ पर एडिट टाइप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए एक ऑप्शन आता है लोड का ऊपर, ये देखिए लोड का ऑप्शन आता है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इसका डुप्लीकेट बना लेंगे, तो डुप्लीकेट वाले पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसका नाम देता हूँ D1।
और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ये देखिए हमारा नाम आ चुका है D1। अब यहाँ से लोड करेंगे, यहाँ से फिर से अपनी फैमिली पर जाएंगे जहाँ पर मैंने फैमिली डाउनलोड करके रखी हुई है। तो गेट्स पर जाएंगे, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर कोई भी गेट्स नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर बैक करता हूँ। यहाँ पर ये देखिए हमारे पास एक गेट्स है इस तरह का, सर्कुलर टाइप का, ऊपर से वहाँ देखिए डोर आ चुका है यहाँ पर। तो इसको हम लोग ओके करते हैं और यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पर। ये देखिए हमारा लग चुका है। और हमें अब कहाँ पर लगाना है, हमें लेवल 3 पर लगाना है। तो लेवल 3 पर जाते हैं हम लोग और फिर से कंपोनेंट्स पर जाएंगे, सॉरी डोर पर जाएंगे, तो वही डोर हमें फिर से मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर डोर हमारा वही से पर है, वही वाला डोर यहाँ पर भी प्लेस कर देंगे सेम इसे। थोड़ा सही से प्लेस कर लेंगे इसे हम। तो ये भी देखिए मैंने यहाँ पर भी प्लेस कर दिया। हम लोग फ्रंट व्यू पर जाते हैं 3D पर, और फ्रंट व्यू पर देखिए हमारा डोर प्लेस हो चुका है। तो यहाँ पर मुझे आर्च नहीं चाहिए इसका, तो मैं आर्च डिलीट कर देता हूँ इसका। तो यहाँ इसे डिलीट करने के लिए हम लोग इसी डोर पर डबल क्लिक करेंगे या तो सिंगल क्लिक करके एडिट फैमिली पर जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी फैमिली ओपन हो जाएगी। हम लोग यहाँ से कंट्रोल के साथ सारे इसके आर्च को सेलेक्ट कर लेंगे, डिलीट हो जाएगा, डिलीट। अब यहाँ पर लोड लोड इनटू प्रोजेक्ट पर ओके कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ओवर द एग्जिस्टिंग वर्जन एंड इट्स पैरामीटर वैल्यूज़, सेकंड वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे। देखिए हमारा हट चुका है। हम लोग यहाँ पर विंडोज़ लगा लेते हैं। तो विंडोज़ लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही आर्किटेक्चर पर जाएंगे और विंडोज़ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एडिट टाइप पर जाएंगे और यहाँ से लोड पर जाएंगे। तो यही इसी तरह से मैंने विंडो यहाँ पर लोड करके रखी हुई है, ये देखिए। तो यहाँ पर मेरी विंडो है, चलिए मैं यहाँ पर प्यू कर दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारी विंडो है, ये छोटी छोटी सी हो रही है यहाँ पर, ये विंडो है हमारी। तो इस विंडो को हम लोग लगाएंगे, तो ओके कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपकी डायमेंशन है वो थोड़ी बड़ी शो हो रही है, मैं प्रीव्यू को ऑफ कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पर देखिए हमारी डायमेंशन का ऑप्शन आता है, हम लोग इसे एडिट कर सकते हैं यहाँ से विथ और हाइट विंडो की। तो यहाँ से आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी एडिट और फिर ओके कर दीजिएगा। तो उसके हिसाब से, जिस हिसाब से आपको हाइट और विथ चाहिए होगी, उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ से अब मैं इसे लगाता हूँ। तो मुझे कहाँ पर चाहिए, लेवल 2 पर चाहिए और लेवल 3 पर चाहिए। तो मैं डायरेक्ट यहीं पर प्लेस कर लेता हूँ इसे, डायरेक्ट यहीं से। तो ये वाली विंडो मुझे चाहिए थी, ये वाली सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे प्लेस कर देता हूँ और यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ इसे। तो ये मैंने विंडोज़ प्लेस कर ली है यहाँ पर। अब मुझे इस वाली वॉल पर भी विंडो लगानी है। तो इस वाली वॉल पर विंडो मैं कैसे लगाऊंगा, चलिए फिर से देखिए मैं लोड करता हूँ विंडो को। तो विंडो वाले ऑप्शन पर जाऊँगा, एडिट टाइप पर जाऊँगा और यहाँ से डुप्लीकेट पर जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ W1 और यहाँ से ओके कर देता हूँ इसे। यहाँ से लोड पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से रैबिट की फैमिली पर जाता हूँ, रैबिट फैमिली और विंडोज़ वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर देखिए विंडो मैंने डाउनलोड करके रखी ये वाली और यहाँ से ओपन। तो हमारी देखिए विंडो लोड हो रही है, विंडो हमारी लोड हो चुकी है यहाँ पर। तो इसकी जो विथ है और हाइट है वो 6 फीट 6 इंच है। तो मैं यहाँ पर 3x2 कर देता हूँ इसको, 3 फीट, और यहाँ से इसको 2 फीट, 2 फीट, या मैं यहाँ से इसकी हाइट कर देता हूँ 3 फीट हाइट भी कर देता हूँ। ओके, देखिए हमारी विंडो इस तरह से कुछ क्रिएट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर इसे प्लेस कर देता हूँ और एक विंडो मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, एक विंडो यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, स्केप कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा इस तरह से कुछ क्रिएट हो चुकी है, डोर्स और विंडो लग चुकी हैं हमारी। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, आप लोग इसकी ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से पिक करिएगा और जो हमारी कीबोर्ड पर एरोज़ की होती है वहाँ से आप लोग थोड़ा मूव कर सकते हैं इस तरह से, देखिए। और यहाँ पर आप लोग को जैसे सील हाइट चाहिए आपको 3 फीट, तो यहाँ पर आप लोग सील हाइट चेंज कर सकते हैं इस तरह से 3 फीट, ये देखिए, और अप्लाई करेंगे देखिए ऊपर चली जाएगी, देखिए ऊपर चली गई। तो इस तरह से आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे चेंज नहीं करना कुछ भी, मेरा मकसद था आप लोगों को लगाना सिखाना, वो मैंने सिखा दिया। अब चलिए हम लोग इसका फ्रंट व्यू क्रिएट करते हैं। तो फ्रंट व्यू क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक वॉल को क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो वॉल तो हमारी पहले से ही क्रिएट है, वो हाइड है, तो उस हाइड वाले को शो कर देंगे HR से। तो देखिए शो हो गई। अब हम लोग इस वॉल पर क्लिक करेंगे और फ्रंट व्यू को एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसकी हाइट 6 फीट दे देंगे। तो यहाँ से जाएंगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ पर और यहाँ से हम लोग देखिए अनकनेक्ट, हमारा लेवल 4 है, तो यहाँ से हम लोग अनकनेक्टेड वाले ऑप्शन को पिक करेंगे। और अनकनेक्टेड वाले ऑप्शन को पिक करके हमारी देखिए 40 फीट है, तो यहाँ से मैं 7 फीट ले लेता हूँ हाइट इसकी और अप्लाई कर देता हूँ यहाँ से। तो देखिए 7 फीट की हमारी वॉल हो चुकी है, तो इसको भी हम लोग 7 फीट की कर लेंगे। देखिए हमारी साइड में जो वॉल है ये हमारी 6 फीट की थी, 7 फीट की कर लेते हैं इसको भी। तो इस पर वॉल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से 7 फीट की कर लेंगे इसको भी और अप्लाई कर देंगे इसको भी। तो देखिए 7 फीट की हमारी ये भी हो चुकी है। अब हमको यहाँ पर एक गेट लगाना है और यहाँ पर हमें क्या करना है,
गेट लगाने के बाद हमको यहाँ पर थोड़ी सी डिज़ाइन क्रिएट करनी है। चलिए हम लोग सब कुछ करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे लेवल वन पर। तो हमें कट कहाँ पर लगाना है, तो पहले हम लोग एक गेट को लोड कर लेते हैं। तो मैंने रेविट फैमिली में एक गेट लोड करके रखा हुआ है नेट से डाउनलोड करके, तो मैं उसी को प्लेस करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर चलिए देखता हूँ मैंने कहाँ पर डाउनलोड किया था गेट। तो गेट अभी देखिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो चलिए हम लोग लोड करते हैं गेट को फिर से। तो यहाँ से मैं जाऊँगा लोड फैमिली पर, और यहाँ से फेवरेट पर, और मेरी रेविट फैमिली यहीं पर है तो मैं गेट्स पर जाऊँगा। तो गेट्स मैंने ये वाला गेट मैं लगा देता हूँ, देखिए इस तरह का है कुछ। मैं इसे लोड कर लेता हूँ, देखिए गेट हमारा लोड हो रहा है अभी। तो गेट लोड हो चुका है, अब मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से। गेट देखिए हमारा प्लेस हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर कट लगा देंगे यहाँ से। तो कट लगाने के लिए हम लोग मॉडिफाई पर जाएंगे और स्प्लिट एलिमेंट टूल को सेलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट होता है इसका SL। तो यहाँ से मैं कट लगा देता हूँ, इसको जूम करके कट लगाएंगे ताकि हमारा कट क्लीन लग सके एकदम। कट लग चुका है हमारा। अब 3D पर जाते हैं, इसे देखते हैं। तो जो वॉल जो हमारी गेट पर वॉल थी उसको हम लोग डिलीट कर देंगे सेलेक्ट करके। अब डिलीट, तो ये देखिए हमारा गेट लग चुका है बिल्कुल क्लीन तरीके से। हम लोग यहाँ पर अब डिज़ाइन क्रिएट करेंगे थोड़ी सी। डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए मैं एक्सट्रूजन का प्रयोग करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस वॉल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से एडिट बाउंड्री पर जाऊँगा। एडिट बाउंड्री पर जाने के बाद मैं यहाँ से रेक्टेंगल लूँगा और यहाँ से एक ऑफसेट लूँगा। मुझे यहाँ पर इतना हॉलो सरफेस चाहिए, तो मैं हॉलो सरफेस क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ से 2 फीट का ऑफसेट ले लेता हूँ, 2 फीट। और यहाँ से मैं फर्स्ट वाले पॉइंट पर पिक करता हूँ। देखिए हमारा बाहर से ऑफसेट मिल रहा है, तो स्पेस का यूज़ करेंगे और इसे फ्लिप कर देंगे इस तरह से अंदर की ओर। तो ये हाइट काफ़ी लग रही है मुझे, तो यहाँ से मैं 1 फीट ले लेता हूँ, 1 फीट। और यहाँ से इस बार फिर से करेंगे, तो देखिए हमारा इस तरह से कुछ ड्रॉ हो रहा है। पिक कर देंगे, छोड़ देंगे इसे, तो यहाँ पर इस तरह से कुछ क्रिएट हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसे फिनिश कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक्सट्रूजन की हेल्प से हम लोग डिज़ाइन क्रिएट करेंगे इसकी। तो डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले थोड़ा सिस्टम हमारा हैंग हो रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है, तो कोई बात नहीं। चलिए मैं धीरे से कोशिश करता हूँ इसे थोड़ा स्पीड में बताने की। तो सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट पर जाएंगे, मॉडल इन प्लेस पर जाएंगे, जेनरिक मॉडल पर जाएंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इस व्यू को एडजस्ट कर लेंगे, फ्रंट और राइट के जो मिडिल में व्यू आता है थोड़ा सा जूम करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेन को सेट करेंगे, पिकअप प्लेन पर जाएंगे, ओके करेंगे। हमको ये वाला प्लेन चाहिए, देखिए मैंने ब्लू लाइन से शो हो रहा है प्लेन हमारा। इस प्लेन को सेलेक्ट कर देंगे, उसके बाद हम लोग एक्सट्रूजन पर जाएंगे और यहाँ से रेक्टेंगल को ऑप्शन को पिक करेंगे या तो लाइन वाले ऑप्शन को पिक करेंगे। तो अब यहाँ से मैं देखिए किस इस तरह की डिज़ाइन ड्रॉ करूँगा। इस तरह की मैं कुछ डिज़ाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ इसे। उसके बाद मैं देखिए पूरी डिज़ाइन जब क्रिएट होगी तो आप लोगों को समझ में आएगी मैं किस तरह की डिज़ाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस वाले ऑप्शन को पिक करके यहाँ से पूरा ड्रैप कर देंगे, यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन हो चुका है हमारा, हम लोग इसका एरे कर लेंगे। तो इस वाले ऑप्शन को पिक करेंगे, एरे पर जाएंगे, शॉर्टकट होता है AR, क्लिक करेंगे और यहाँ से फर्स्ट पॉइंट पिक करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम ऑप्शन आता है लीनियर का, तो इस वाले ऑप्शन को पिक कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए इस वाले ऑप्शन को पिक करेंगे, सर्कुलर वाले ऑप्शन को नहीं पिक करेंगे। और यहाँ से हम लोग लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, सेकंड वाले को नहीं सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से लास्ट वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से मैं इस वाले पॉइंट से यहाँ तक कुछ बना लेता हूँ अपना, यहाँ तक। तो मुझे कितने नंबर्स ऑफ चाहिए, यहाँ पर मैं नंबर पुट कर दूँगा, मुझे चाहिए 10। और मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ, तो ये देखिए हमारे 10 पार्ट्स क्रिएट हो चुके हैं। 10 पार्ट्स क्रिएट होने के बाद अब देखिए हमको अगर थोड़ा सा मूव करके ऊपर की ओर ले जाना है, तो हम इसे हल्का से पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, हल्का सा ऊपर की ओर कर देंगे इस तरह से। तो मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा कुछ ड्रॉ हो चुका है इस तरह से, डिज़ाइन भी हमारी ड्रॉ हो चुकी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस पर हम लोग इसका रैम क्रिएट करेंगे। तो रैम क्रिएट करते कैसे करते हैं, चलिए देख लेते हैं वो भी। रैम क्रिएट करने के लिए मैं इसके लेफ्ट व्यू पर जाऊँगा या राइट व्यू पर जाऊँगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए गेट हमारा थोड़ा सा अभी बाहर की ओर है, तो इस पर हम लोग पिक करेंगे और हल्का सा गेट वाले ऑप्शन को पिक करेंगे, हल्का सा मूव कर देंगे एरो की हेल्प से पीछे की ओर इस तरह से कुछ। देखिए अब मूव हो चुका है हमारा गेट। उसके बाद हम लोग रैम्प बनाना था हमें, तो रैम्प हम लोग रैम्प की हेल्प से भी बना सकते हैं और एक्सट्रूजन की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो एक्सट्रूजन की हेल्प से मैं बनाता हूँ।
यहाँ पर, तो यहाँ पर आर्किटेक्चर कंपोनेंट वाले ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, मॉडल इन प्लेस पर क्लिक करेंगे, जेनरिक मॉडल लेंगे यहाँ से और यहाँ से ओके कर देंगे, ओके कर देंगे और यहाँ से हम लोग प्लेन को सेलेक्ट करेंगे तो सेट वर्क प्लेन पर जाएंगे और हम लोग पिकअप प्लेन पर जाएंगे और यहाँ से हम लोग को नीचे वाला प्लेन चाहिए एकदम, तो हम लोग पहले टॉप पर जाते हैं, इसके स्केप कर देते हैं टॉप पर और हम लोग फिर से सेटअप वर्क प्लेन पर जाएंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे। अब हम लोग को बॉटम वाला प्लेन चाहिए तो हम लोग कहीं पर भी सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट व्यू पर फिर से जाएंगे और यहाँ से एक्सट्रूजन वाले पार्ट पर जाएंगे और यहाँ से लाइन देखिए हमारी पिक है तो अभी देखिए क्रिएट नहीं हो रहा है हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बार प्लेन को इस वाली जो वॉल है हमारी राइट पे, इस वाली वॉल को सेलेक्ट करेंगे तो सेट वर्क प्लेन पिकअप प्लेन, ओके। तो इस वाले प्लेन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ से बाउंड्री लाइन पे और यहाँ से कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दूँगा रैम्प अपना यहाँ तक। तो ये देखिए हमारा रैम्प ड्रॉ हो चुका है, अभी से हम लूप क्लोज कर देंगे वरना हमारा काम नहीं करेगा, एरर आएगा, फिनिश कर देंगे। अब ये देखिए फ्रंट व्यू पर जाएंगे और यहाँ से कहीं भी बाहर क्लिक कर देंगे, फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सारे एरो शो हो जाएंगे। हम इसे ड्रैग करके पूरे अपने जहाँ तक भी हमें चाहिए रैंप हम वहाँ तक ले आएंगे, फिनिश कर देंगे। यहाँ तक चाहिए हमें इस वाले को, यहाँ तक ले आएंगे। तो ये देखिए हमारा रैंप क्रिएट हो चुका है कुछ इस तरह से। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी हो गई, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन पर मेंशन कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका डाउट सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसमें पेंट कैसे अप्लाई करेंगे, हम लोग पेंट कैसे क्रिएट करते हैं, मटेरियल कैसे क्रिएट करते हैं, तो हर एक स्टेप को मैं डिटेल वाइज में बताऊंगा। और जो थर्ड वीडियो आएगी उसमें हम लोग लाइट्स वगैरह और सीलिंग वगैरह लगाना सीखेंगे, लाइट्स कैसे ग्लो करते हैं सब कुछ सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।